वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है दोस्तों येस और नो जल्दी बताइए वेल जल्दी बताओ चलिए सो so, ये हमारा अमेंडमेंट लेक्चर थ्री है <coughs> इसमें आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्लरिफिकेशन और हम देखेंगे कस्टम में एक चैप्टर जो इंस्टीट्यूट ने पहले एक्सक्लूड कर दिया था लेकिन पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया कि दो साल बाद वापस वो चैप्टर ऐड कर दिया और वो है इन कस्टम्स वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इन कस्टम्स हमने डिस्कस अलग अलग जगह तो किया है डोंट वरी मैं आपको रिवाइज रिवाइज कर कर दूंगा दूंगा और बहुत अच्छे से कर दूंगा। तो ऐसे दो तीन क्लैरिफिकेशन पहले ले लूंगा और उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेर हाउसिंग इन कस्टम्स अब अगर आपने जैसा अमेंडमेंट नोट्स आ, जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दी है वो टेलीग्राम लिंक पे मैंने कंप्लीट पूरा अमेंडमेंट का सेट डाल दिया है जिसमेंडमेंट प्लसिफिकेशन प्लसिंग है लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पहली आ, आ, नोट्स डाउनलोड किया होगा क्योंकि इसके पहले मैंने अमेंडमेंट्स का नोट्स अलग दिया था और वेर हाउसिंग का नोट्स इसी ग्रुप में अलग दिया था जो मैंने लास्ट कल कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है ठीक है तो अगर किसी ने पार्ट पार्ट में डाउनलोड किया होगा तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है आई रिपीट ये जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ओके okay, ये पहले वाले नोट्स में ये पेज नहीं आया था इसलिए अभी रिसेंट कल जो मैंने नोट्स डाली है टेलीग्राम पे, जिसमें ये इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन का पेज आपको मिल जाएगा तो इतना पेज आपने सेपरेटली प्रिंट आउट ले लेना है और नोट्स में अटैच कर देना है ठीक है आ, बाकी तो बेटा सेम है जो पहले मैंने ऐड किया था यहाँ पे डोंट वरी हाँ तो एक बार फिर से आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में दो कैटेगरी की नोट्स मिल जाएगी एक तो मैंने पार्ट पार्ट में अमेंडमेंट्स दी हैं मतलब अमेंडमेंट का अलग वेयरहाउसिंग का अलग और एक कंप्लीट पूरा अमेंडमेंट का नोट्स दिया है जिसमें अमेंडमेंट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन प्लस वेयर हाउसिंग तो ये जो सेकेंड वाला नोट्स है ये आपको चेक कर लेना है जिसमें से ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन वाला पेज उसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है बाकी रिमेनिंग नोट सेम है आई होप आपको समझ में आया होगा वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग मैंने क्या कहा समझ में आया है आपको चलिए तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हम देखते हैं आईजीएसटी uh, जी में एक क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो बहुत इजी लेकिन ये क्लैरिफिकेशन जो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से ये जो पेज है इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन का कल मैंने जो कंप्लीट नोट्स डाला है वो कंप्लीट नोट्स में ये आपको पेज मिल जाएगा जो भी कनेक्टेड है मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया चलो वेदर द सर्विस बाय सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न ग्रुप कंसर्न एक्सेट्रा ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन लॉ टू फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेडर लॉ कंट्री आउट साइड इंडिया थी जो एज पर इंडियन लॉ फॉर्म हुई है और एक फॉर कंपनी थी सिस्टर कंसर्न था सब्सिडरी था ग्रुप कंसर्न जो भी है और वो एज पर फॉरिन लॉ फॉर्म हुई है तो

कौन कौन सी पांच कंडीशन सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया रिसिपियन सप्लायर इंडिया में होना चाहिए आउटसाइड इंडिया होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और पेमेंट आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलने चाहिए एंड लास्ट कंडीशन है कि अगर आप जिसको भी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए ओके okay, अब डिस्टिंग पर्सन नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्विस के बेनिफिट्स जीरो रेट सप्लाई के बेनिफिट्स आप ले, ले, सकते हो ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट जहां तक देखा जाए सेक्शन एट ऑफ एक्सप्लेनेशन वन ये क्या कहता है ये जो है ये कहता है कि आपका डीम डिस्टिंग पर्सन यानी आईजीएसटी में डीम डिस्टिंग पर्सन यानी एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होगा और अगर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो उसको डीम डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन टू टू सेक्शन ऑफ फॉरन कंपनी लोकेट इन इंडिया बिजनेस कंडल बी ट्रीटेड्लिशमेंट ऑफ सेड फॉरिन कंपनी इन इंडिया ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपका ऑफिस ब्रांच या फिर रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस होगा तो वो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा उसके बाद में सेक्शन टू एटी फोर कहता है कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट और अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया ओके अब पर्सन की डेफिनेशन में अगर पर्सन की डेफिनेशन में क्या आता है तो कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ होगा या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ होगा

या अगर ये केस स्टडी आती है कि एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर दूसरी सिस्टर कंसर्न इंडिया के बाहर है पर वो सेपरेट फॉर्म हुआ है एज अ कंपनी अंडर द फॉरेन लॉ तो ये दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे पहले तो ये फिक्स कर दो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानी जाएगी अब उसके लिए उन्होंने क्या बेस लिया पहले एक्सपोर्ट सर्विस लिया उसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है और उसके बाद में पर्सन की डेफिनेशन क्या कहती है इन चारों बातों को ख्याल में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि वो सेपरेट लीगल एंटिटीज है और वो मियरली एस्टैब्लिशमेंट नहीं है पर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली ये लाइन जो है ये लाइन यहाँ पे कवर कर सकते हो और डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन लिख सकते हो आपको लीगल प्रोविजन इतने डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो देखो

वो अकाउंट रिकॉर्ड्स और ईवे बिल पर इम्पोर्टेंट नहीं है प्रायरिटी बी पे रखना ये पहला वाला यहां पे प्रायोरिटी ए पे रखो जो आईजीएसटी है वेयर कैरिंग अ फिजिकल वेदर कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज कम्पलरी ड्यूरिंग दूवमेंट ऑफ गुड्स इन सप्लाईस अंडर फोर्टीएसटी रूल्स ये तो आप बच्चा भी आंसर दे सकता है

रूल 138 के हिसाब से जब भी कोई कन्वेंस गुड्स कैरी करेगा तो उसका इनवाइस या उसका बिल ऑफ सप्लाई या उसका डिलीवरी चालान जिसे हम रूल 55 चालान कहते हैं वो उसके साथ होना जरूरी है साथ साथ में उसके साथ ईवे बिल ईवे बिल नंबर या फिर ईवे बिल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या आर एफ डिवाइस में होना जरूरी है वन कहता है इफ इनवाइस इज इश्यूड अंडर फोर्टी

क्शन फोर्टी एट फोर ओके दैट इज इन विध क्यू आर कोड है ओके कोई भी जरूरत नहीं है चलिए एक रिफंड चैप्टर पे क्लैरिफिकेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ओके ये देखो क्या कहता है

क्शन फिफ्टी फोर थ्री ऑफ सी जी एस टी एक्ट मीन वेयर गुड्स आर एक्चुअली एंड सफरिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी एट दलिए आपको समझाना चाहूंगा और वो क्या है रिफंड जो है सेक्शन फिफ्टी फोर में ओके रिफंड आपको दो केसेस में ओके जीरो रेट सप्लाई का रिफंड ओके अगर हम बात करें जीरो रेट सप्लाई जीरो रेट सप्लाई जिसमें आपको इनपुट्स के रिफंड मिलता है यानी अगर आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विस एक्सपोर्ट गुड्स में यूज किया तो आपको रिफंड मिलता है और उसका जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चलिए वो क्या कहते हैं अगर कोई एक्सपोर्टर है और ये फिनिश गुड्स बना रहा है और इसके लिए इनपुट्स और इनपुट सर्विस यूज कर रहा है तो इसके आई के रिफंड आपको दिए जाते हैं पर इसके आईटीसी की रिफंड जो फॉर्मूला दिया है ओके okay, यहां पे एक्सपोर्ट टर्न डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टोटल टर्न और नेट आई तो ये आई का रिफंड दिया जाता है पर ये जब, ये जब जो एक्सपोर्ट हो रहा है ओके okay, तो दो केसेस में रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन ओके रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफंड रिस्ट्रिक्शन ऑन रिफंड दो केसेस में, में बेटा रिस्ट्रिक्शन है एक अगर आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा अब देखो सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी वर्ड है अगर वो सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा अगर आपको याद होगा तो सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा ठीक है पहला और सेकेंड वन सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा और सेकेंड वन ड्रॉबैक आपने क्लेम किया होगा ड्रॉबैक आपने क्लेम किया होगा तो ये दो केसेस में आपको जीरो रेट सप्लाई के रिफंड नहीं मिलेंगे अब हमारी जो केस स्टडी है वो ये वर्ड पे है सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी ओके अब सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अब क्या था कि ये जो गुड्स है ये गुड्स पे नील रेट था हाँ रेट है पर नील है अब लॉ क्या कहता है कि अगर आपके एक्सपोर्ट गुड्स पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो फिर आई के रिफंड नहीं मिलेंगे आई रिपीट आपके एक्सपोर्ट गुड्स पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो आपको आई के रिफंड नहीं मिलेंगे तो अब नील रेट का गुड्स है हमारा हमारा गुड्स जो है यहां पे नील रेट है तो क्या ये नील रेट नील रेट रेट यहां पे रेट माने जाएंगे क्या ये सब्जेक्टेड टू ड्यूटी माना जाएगा क्या ये सब्जेक्टेड टू ड्यूटी माना जाएगा अगर नील रेट ये सब्जेक्टेड टू ड्यूटी माना गया तो आपको जीरो रेट सप्लाई के रिफंड नहीं मिलेंगे तो देखो ओके okay, पे वो क्या कहते हैं पहले तो हमने लीगल प्रोविजन लिख लिया पैरा मैं पढ़ रहा हूं गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आदर नील रेट इज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट और विच आर फुल्ली एक्समटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय वर्च्यू ऑफ एनी कस्टम नोटिफिकेशन और विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट cannot be considered to be subjected to export duty under customs act अब यहां पे subjected to export duty मतलब अगर मैं first two line में आऊंगा तो उसका मतलब actually leviable to export duty and suffering export duty at the time of export आपकी ये दोनों point आने चाहिए exam में और आपका clarification आना चाहिए सबसे पहले तो subjected to export duty का मतलब उन्होंने ये कहा ये clarify किया कि actually आप कुछ दे रहे हो उसके ऊपर ओके गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी पे सफर हो रहा है एक्चुअली आप कुछ दे रहे हो <coughs> तो उसको सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाएगा दूसरा अगर आपका गुड्स नील रेट पे है आपका गुड्स नील रेट पे है या पे है या सेकेंड शेड्यूल में कवर्ड नहीं है ओके सेकेंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट तो उसे सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं माना जाएगा और क्लैरिफिकेशन देखो आगे क्या कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड दैट ओनली दो गुड्स

ओके okay, यानी जो रिस्ट्रिक्शन है कि आपका सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होना चाहिए अगर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा तो आपका आईटीसी टी के रिफंड नहीं मिलेंगे तो नील रेट और एग्जाम के केस में ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई रिपीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ओके वॉट डू यू मीन बाय सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी डन क्लियर चलिए ओके यहां पे तो इतने क्लैरिफिकेशन थे बेटा ये दो तीन क्लैरिफिकेशन दो पेजेस थे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के ये दो पेजेस के आपने प्रिंट आउट ले लेना बाकी और कोई इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन नहीं है ओके बस इतने तीन क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है यस और नो अब एक टॉपिक जो हमें कस्टम्स का पढ़ना है और वो है वेयर हाउसिंग वो है वेयर हाउसिंग ठीक है यहां तक आपको समझ में आया क्लियरली जो भी कनेक्टेड है यस बोलिए बेटा चलो यस दो मिनट दो मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे ओके मेरी टी आ चुकी है तो मैं दो मिनट चाय पी लेता हूं आप भी पी लो ओके और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेर हाउसिंग ठीक है एक मिनट कुछ ऑडिबल हाँ हाँ अब अब आवाज क्लियर आ रही है आपको अब आप आपको आवाज क्लियर आ रही है हेलो so, दोस्तों जैसे ये वेराउजिंग जो चैप्टर है वेराउजिंग चैप्टर इंस्टीट्यूट ने जो है यहाँ पे दो साल पहले एक्सक्लूड कर दिया था सिलेबस से अब पता नहीं वापस इंस्टीट्यूट को लगा कि ऐड कर देना चाहिए तो ऐड कर दिया दो ढाई घंटे का डिस्कशन बढ़ा दिया हमारा और कुछ नहीं किया याने पहले तो कस्टम बीस मार्क के लिए उसमें ये पूरा डिस्कशन बढ़ा दिया है तो चलिए यहाँ पे गरिमा यस आपको मैं हमने कल वॉट्सअप किए हैं और व्हाट्सएप में वो लिंक दे दी है हमने एज वेल एज टेलीग्राम लिंक भी दी है आप वो ज्वाइन कीजिएगा अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट पे जाके लॉगिन कीजिएगा लॉगिन में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है गरिमा ओके okay, चलो चलिए अब हम चैप्टर देखेंगे वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग से रिलेटेड ऑलरेडी जो है हम क्या प्रोविजंस देख चुके हैं मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ फटाफट फट्ट। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो समझ लो आपने इंपोर्ट किया और स्पेशली ये फैसिलिटी इंपोर्टर पे है आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया लेट्स टेक एग्जांपल टू थाउजेंड आपने इंपोर्ट किया ओके okay, ये इंपोर्ट करने के बाद गुड्स अनलोड हो गया 2000 थाउजेंड क्वान्टिटी आपकी अनलोड हो गई ठीक है अब ये जो इम्पोर्टर है इम्पोर्टर के पास दो ऑप्शन है यहाँ पे आइदर गुड्स क्लियर करवा ऑप्शन वन ऑप्शन वन ये है कि आइदर गुड्स क्लियर करवा ले फॉर होम कंजम्पशन होम कंजम्पशन तो अगर वो डायरेक्ट होम कंजम्पशन को क्लियर करना चाहता है तो उसे एक बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है और वो होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्शन मतलब वो डायरेक्ट पूरा टू थाउजेंड क्वान्टिटी क्लियर करवाना चाहता है तो इसके लिए जो है लॉ क्या कहता है इसके लिए सेक्शन फोर्टी सेवन यह कहता है अगर फोर्टी सिक्स में आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन डाल दी तो आपको ऑर्डर नहीं मिल सकती विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ओके यानी पहले ड्यूटी पेमेंट इज रिक्वायर्ड यानी आपको ड्यूटी पेमेंट कर देना पड़ेगा और ड्यूटी पेमेंट करने के बाद ही आपको ऑर्डर मिल जाएगी कुछ केस में डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी है पूरा ड्यूटी आपको देना पड़ेगा लेकिन बहुत सी बार ऐसा है कि प्रैक्टिकली इंपोर्टर को पूरा ड्यूटी देना पॉसिबल नहीं होता है यूज अमाउंट ऑफ ड्यूटी होती है समझ लो बहुत प्रीशियस गुड्स आपने लाए टू थाउजेंड क्वानिटी जिसके हाई वैल्यू गुड्स है और इसका ड्यूटी लैक्स करोड़ में जा रहा है और आपको इतना ड्यूटी इमिजिएट देना पॉसिबल नहीं है कंसाइनमेंट तो आपको क्रेडिट में मिल गया तो गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी ओके नो फिकर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको अभी जितना क्लियर करवाना है करवा लो आप पूरा बाकी का में रख सकते हो तो यहां आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आइदर आप पूरा का पूरा हाउस में रख लो या फिर आप जो है अभी 2000 में से 500 हंड्रेड क्वांटिटी क्लियर करवाना है 1500 वेयर हाउस में रख लो 1000 हजार वेयर हाउस में रख लो जितनी क्वांटिटी ओके okay, जितनी क्वांटिटी यहां पे आपको क्लियर करवाना है आप क्लियर करवा सकते हो डन ठीक है uh, नहीं बेटा वो ध्यान मत दो वो क्वेश्चन वो अलग क्वेश्चन था इन बिटवीन अननेसेसरी वो आप आप हमारे अमेंडमेंट पे ध्यान दो ओके okay, वो क्या था ब्लैंक क्वेश्चन वगैरह ये उनके लिए जिन्होंने बुक बाय किया है रेगुलर बुक बाय किया है और ब्लैंक स्पेस होती है ना हमारे रेगुलर बुक में उनके लिए तो आप ध्यान मत दो तो चलिए तो अब गवर्नमेंट कहती है ऑप्शन टू ऑप्शन टू क्या है ऑप्शन टू गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है ये क्वांटिटी वेयरहाउसिंग कर सकते हो यानी आप जो है यहाँ पे कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस यानी ये वेयरहाउस में रख सकते हो यहाँ पे अगर आपको वेयरहाउस में रखना है तो आपकी बिल ऑफ एंट्री जो होगी वो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग होगी उसका नाम है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग यानी 46 में दो बिल ऑफ एंट्री होती है एक होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम ओके जहां आप पैसा दो गुड्स को क्लियर करो दूसरा होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग को इंटू बॉन्ड भी कहा जाता है इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहा जाता है सर so ये इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो है क्या होता है इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्यों, इसको क्यों कहा जाता है अगर कोई बता सकता है तो याद करो मैंने आपको बताया था इंटू बॉन्ड इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट okay, आपको हाउसिंग की परमिशन देती है इस शर्त पे कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और बॉन्ड की अमाउंट थ्राइज द ड्यूटी होगी बॉन्ड की अमाउंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड की अमाउंट यहां पे थ्राइज द ड्यूटी होगी और ये थ्राइज द ड्यूटी वाला बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा ये साइन करने के बाद ही आप वेयर हाउस में गुड्स को रख सकते हो यानी गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करती है ओके okay, और फिर फिर जब आप वेयर हाउस से क्लियर कर रहे हो ग्रेजुअली आप वेर हाउस में कितने भी क्वांटिटी क्लियर कर सकते हो जैसे वन ईयर का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है एक साल तक आप वेयर हाउस में रख सकते हो आज आ, आज आपको 200 क्वांटिटी क्लियर करना है कल 300 क्वांटिटी कल पांच ग्रेजुअली कितना भी क्लियर कर सकते हो अब विदिन वन ईयर अगर जब जब भी सुनना जब जब भी आपको से क्लियर करना है तो आपको फिर से एक बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है और वो बिल ऑफ एंट्री ओके फॉर होम कंज़म्पशन, आई रिपीट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंज़म्पशन देनी पड़ती है ओके okay, और ये बिल ऑफ एंट्री को बॉन्ड भी कहा जाता है एक्स बॉन्ड भी कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री और आपको ड्यूटी पेमेंट कब करने पड़ते हैं इनटू बॉन्ड के वक्त या एक्स बॉन्ड के वक्त तो आपको ड्यूटी पेमेंट एक्स बॉन्ड के वक्त करने पड़ते हैं एक्चुअल ड्यूटी आपको एक्स बॉन्ड के टाइम देना पड़ता है और आपको रेट भी कब के लगते हैं तो रेट आपको बॉन्ड के लगते हैं सेक्शन अगर आपको याद होगा तो जिस दिन आप एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देते हो उस दिन के रेट आपको लगाए जाते हैं तो ये तो इस नॉर्मल प्रोविजन हमने पढ़ी थी वेयर हाउसिंग की याद आ रहा होगा तो जोर से बोलो यस सर हमें अच्छे से याद आ रहा है तो ओके बिल ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम कंजम्पशन एंड वेयर हाउसिंग होम कंजम्पशन देते हो तो आपको ड्यूटी पेमेंट करने पड़ते हैं वेयर हाउसिंग के केस में पेमेंट नहीं करना पड़ता है आपको बॉन्ड देना पड़ता है और बॉन्ड थ्राइज द ड्यूटी देना पड़ता है होम कंजम्पशन के केस में एक ही बिल ऑफ एंट्री होती है तो वेयर हाउस के केस में दो बिल ऑफ एंट्री होती है एक इंटू बॉन्ड और दूसरा एक्स बॉन्ड ओके okay, दोस्तों याद होगा तो प्लीज यस कहिएगा ओके okay, मतलब यहां पे मैं ओके okay, आपका इंटरेक्टिव सेशन में आपका रिप्लाई होना बहुत जरूरी है तो इस तरह से हमने वेयरहाउसिंग प्रोविजन देखा था तो ये एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट देती है जिसको इमीडिएट ड्यूटी नहीं देना है और कि वो लोग जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेते हैं अब ये हाउसेस अब हमें पूरा ये वेयर हाउस के बारे में पढ़ना है वेयर हाउसेस कैसे होते हैं यहाँ पे हाँ कि भाई ये जो वेयर हाउसेस है ये पब्लिक प्राइवेट स्पेशल हाउसेस उसके बाद में जब गुड्स हाउस में होता है तो क्या क्या प्रोविज़न अप्लीकेबल होती है हाउस से क्लियर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन अप्लीकेबल होती है ये सारी बातें हमें डिटेल में डिस्कस करना है और उसके बाद यहाँ जो है एक हमने ये पूरा चैप्टर होने के बाद एक समरी हम वेयर वेयरहाउसिंग की पढ़ेंगे जिसमें सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर को हमें अराउंड दो घंटे लगेंगे ओके यस इंस्टीट्यूट ने हमारे दो घंटे का डिस्कशन बढ़ा दिया है चैप्टर ऐड करके ओके लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसकी समरी भी मैंने बनाई है तो आप डायरेक्ट वो समरी भी पढ़ लो तो भी मोर देन इनफ फॉर एग्जामिनेशन लेकिन वो समरी पढ़ने के लिए आपका चैप्टर अच्छे से होना जरूरी है ओके तो चलिए वेयरहाउसिंग ए चैप्टर उसके बाद में यहाँ आ जाइए टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन फिफ्टी सेवन से लेके तो सेक्शन सेवेंटी थ्री ए तक हमें ये सेक्शन लर्न देखना है लर्न नहीं करना है पॉसिबल भी नहीं आप ट्वेंटी मार्क्स के लिए करोगे क्या यार कस्टम ट्वेंटी मार्क्स के लिए क्या क्या याद करोगे क्या क्या नहीं करोगे तो इसलिए ये सेक्शन आपको वैसे लर्न वर्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कस्टम्स के लेकिन इसमें मैं कुछ सेक्शन बताऊंगा जैसे सेक्शन 72 है ओके यहां सेक्शन 70 है तो कुछ सेक्शन ऐसे है कि अगर वो लर्न हो जाए तो अच्छी बात है अगर लर्न हो जाए तो अच्छी बात है चलो ओके तो ये बात हुई हमारा रिगार्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन ओके यहां हाँ अब इसकी जो मैंने समरी दी है ये समरी मैं आखिरी में, में लूँगा ये पेज की समरी मैं आखिरी में, में लूँगा पहले और आ, मैं आपको फ्रैंकली क्यों क्या एग्जाम में इतनी समरी भी पढ़ लिया तो मोर देन इनफ इतनी समरी पढ़ लिया तो भी मोर देन इनफ लेकिन अभी ये चैप्टर जो है मेरे से बहुत अच्छे से समझ लो ओके okay, चलिए सबसे पहले आता है वाई इम्पोर्टर इंड वेराउजिंग फैसिलिटी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई वेराउजिंग फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है क्यों क्योंकि जब गुड्स आ जाता है तो यहां पे इतना सारा फंड जो है अरेंज करना पॉसिबल नहीं इंपोर्टर के लिए इसलिए फैसिलिटी वगैरह दी जाती है एज वेल एज ई यूच टीपी एस टी पी और एस सी जेड यूनिट्स को भी वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है आपने रीड कर लेना ओके ये जनरल क्वेश्चन है एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे ठीक है फिर आते हैं हम यहां पे द बेनिफिट्स इफ इम्पोर्टर ऑफ फॉर वेयर हाउसिंग बेनिफिट ये कि ड्यूटी डेफर्ड हो जाती है क्योंकि अगर आपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लिया ओके okay, तो ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस आपको टाइम मिल जाता है ओके okay, तो वो जो है यहां पे जहां तक देखा जाए तो आपको उतना टाइम मिल जाता है ड्यूटी पेमेंट के लिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फिर से रिवाइज कर दू रिलेटेड जो ऑलरेडी हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में जब जब भी वर्ड वेयर हाउस आएगा तो वेयर हाउस तीन टाइप के वेयर हाउस होते हैं ओके okay, पे एक पब्लिक जो सेक्शन 57 में होता है दूसरा प्राइवेट वेयर हाउस जिसको लाइसेंस दिया जाता है सेक्शन 58 में और स्पेशल वेयर हाउस ओके जो सेक्शन 58 के होते हैं थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझा दू section 57 उसके बाद में सेक्शन फिफ्टी और सेक्शन 58 ए अगर रफ में जो जो भी मैं यहाँ लिखो अगर आप रफ में लिखो या रफ पेज पे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरे साथ ये चैप्टर आपका भी अभी क्या भी खत्म हो जाएगा यानी इसके बाद आपको सिर्फ समरी जो मैंने पहले पेज पे दिया है उतना भी पढ़ लिया दैट्स ए रफ ओके तो यहाँ पे सेक्शन 57, 58 और सेक्शन 58 ए सेक्शन 58 ए ये तीन सेक्शन है एक होता है पब्लिक वेयरहाउस ध्यान से सुनिएगा ओके वेयरहाउस तीन टाइप के होते हैं जैसे हमने देखा वेयर हाउस जहां आप गुड्स रख सकते हो विदाउट ड्यूटी जहां आप गुड्स रख सकते हो विदाउट ड्यूटी एक होता है पब्लिक वेयर हाउस दूसरा और ये तीन टाइप के वेयर हाउस है अब ये जो पब्लिक वेयर हाउस है बेटा ये क्या होता है थोड़ा मैं जनरल आईडिया आपको दे देता हूं उसके बाद फिफ्टी एट पे होता है प्राइवेट वेयर हाउस प्राइवेट वेयर हाउस और तीसरा होता है यहाँ पे फिफ्टी एट में स्पेशल वेयर हाउस स्पेशल वेयर हाउस चलो लर्न कर लो मेरे साथ फटाफट फटा. ओके okay, लर्न कर लो तीन टाइप के वेयर हाउस है सेक्शन याद रहे तो ठीक तीन टाइप के हाउस है पब्लिक प्राइवेट एंड स्पेशल वेयर हाउस पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है ओके okay, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या लोकल बॉडी इनके जो वेयरहाउस होते हैं उनको पब्लिक वेयरहाउस कहा जाता है जैसे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ये जो ये जो होता है ये कस्टम डिपार्टमेंट के पास यानी सी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे वेयरहाउस को लाइसेंस दीजिएगा मैंने क्या वर्ड यूज किया है लाइसेंस दीजिएगा यहां पे ओके फॉर वेयर हाउसिंग सर ये लाइसेंस क्यों लेते वेयर हाउसिंग के लिए क्योंकि अगर इन्होंने अपने वेयरहाउस के लिए लाइसेंस ले लिया तो बहुत सारे इंपोर्टर इनका वेयर हाउस यूज करेंगे गुड स्टोरेज के लिए विदाउट ड्यूटी ऑन गुड स्टोरेज के लिए विदाउट ड्यूटी ठीक है गुड्स स्टोरेज के लिए वो यहां पे यूज करेंगे विदाउट ड्यूटी और स्टोरेज के जो चार्जेस मिलते हैं वो लैक से करोड़ में होते हैं बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है इसलिए हर म्यूनिस्पल कारेशन लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी चाहती है कि यहाँ पे उनके वेरहाउस को कस्टम्स के लाइसेंस मिल जाए सो दैट वो बहुत सारे गुड्स उसमें बहुत सारे इंपोर्टर के गुड्स रख सके और पैसा कमा सके वेयर हाउसिंग फीस का वेयर हाउसिंग चार्जेस का ओके तो उन्हें कहा जाता है पब्लिक जो पब्लिक अथॉरिटी के होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस प्राइवेट वेयर हाउसेस ये प्राइवेट कंपनीज़ या इंपोर्टर के होते हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जो वेयर हाउस सेटअप करके रखती है ये भी सीबीआईसी के पास जाती है कहती है कि हमें हमारे वेयर हाउस को प्लीज़ हम सरकार हमारे वेयर हाउस को लाइसेंस दे दो हम भी कमाएंगे तो प्राइवेट कंपनी के या इंपोर्टर खुद के बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके खुद के वेयर हाउस को ही वो लाइसेंस लेते हैं एज अ प्राइवेट वेयर हाउसेज़ ओके नो no डाउट इसकी कंप्लीट प्रोसीजर है हमारे सिलेबस में नहीं है कि जब वो आप अप्लाई करते हो तो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं वो सब देखते हैं कि आपने एज पर जो कस्टम स्टैंडर्ड है वैसे वेयर हाउस आपने मेंटेन किए कि नहीं किए उसकी वेयर हाउसिंग फीस भी होती है दुनिया भर की चीज़ें होती हैं ओके okay, और एक स्पेशल वेयर हाउस कुछ नोटिफाइड गुड्स जिसकी लिस्ट में आगे रख बताओगे ओके okay, जैसे ये दोनों वेयर हाउस में एनी इंपोर्टेड गुड्स आप रख सकते हो एनी इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स कैन बी स्टोर कैन बी स्टोर लेकिन अगर आपका स्पेशल वेयर हाउस होगा तो आपसे नोटिफाइड गुड्स इस यहाँ रखे जाएंगे ओके okay, आगे मैं बताऊंगा नोटिफाइड गुड्स तो नोटिफाइड गुड्स हो गए तो स्पेशल वेयर हाउस में रखे जाएंगे अब यहाँ एनी इंपोर्टेड गुड्स बीस कैन बी स्टोर अदर देन नोटिफाइड गुड्स अदर देन नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड गुड्स ठीक है नोटिफाइड गुड्स छोड़ के आप जो है यहाँ पे सारे गुड्स रख सकते हो ओके और ये जो स्पेशल वेयर हाउस है स्पेशल वेयर हाउस में नोटिफाइड गुड्स हो गए तो ये स्पेशल वेयर हाउस में रखा जाएगा अब देखो फर्क क्या है जैसे पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस इस पे यहाँ पे कंट्रोल जिसका ओ, जो ओनर है वही कंट्रोल रखता है उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए ओके okay, जब भी हमारा ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो सारे रिकॉर्ड्स बताने चाहिए क्योंकि वहां विदाउट ड्यूटी गुड्स रखे गए हैं तो ये सारी चीजें जो होती है ओके okay, नॉर्मल लेकिन यहाँ कस्टम डिपार्टमेंट के लॉक वगैरह नहीं होते लेकिन स्पेशल वेयर हाउस अगर आप लाइसेंस लेते हो जहां नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं तो ये अंडर द लॉक ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट होता है अंडर द लॉक ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट यानी कस्टम डिपार्टमेंट के लॉक लग जाते हैं और वहां से अगर गुड्स निकालना हो तो आपको कस्टम डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ओके केस में कुछ नहीं होता ये केस में एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री डाल दो और गुड्स को क्लियर कर लो आई रिपीट ये केस में एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री डाल दो और गुड्स को क्लियर कर लो लेकिन स्पेशल वेयर हाउस में आपको एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री डालना पड़ता है फिर ऑफिसर के परमिशन से गुड्स क्लियर होता है ओके okay, तो वो नोटिफाइड गुड्स के बारे में देखेंगे समझा होगा तो यस जरूर टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे ये हमने देखा वेयर हाउस के तीन टाइप है जो एक जनरल डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है उसके बाद में वेयर हाउस गुड्स वेयर हाउस अब ये एक्ट में ये वर्ड बार बार आएगा और वो कौन सा रहेगा वेयर हाउस गुड्स ओके okay, अब मैं इंपोर्टेड गुड्स वर्ड यूज नहीं करूंगा जो इम्पोर्टेड गुड्स वेयर हाउस में रख दिए जाते हैं ध्यान सुनिएगा जो इंपोर्टेड गुड्स आपके वेयर हाउस में रख दिए जाएंगे ओके अब उसका नाम हो जाएगा वेयर हाउस गुड्स वेयर हाउस गुड्स नथिंग बट इंपोर्टेड गुड्स लेकिन वेयर हाउस में डिपॉजिट हो गए इसलिए मैं आपका नाम अब इसके आगे नाम यूज करूंगा ओके वेयर हाउस गुड्स तो चलिए वेयर हाउस गुड्स की डेफिनेशन देख लेते दे फटाफट यहां वेयर हाउस गुड्स मतलब ओके गुड्स डिपॉजिटेड इन अ वेयर हाउस उसके बाद में एंट्री एंट्री कंसेप्ट देखा यहाँ पे एंट्री मतलब एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस और सेक्शन 46 में दो एंट्री होती है एक होम कंजम्पशन दूसरा वेयर हाउसिंग यस होम कंजम्पशन और दूसरा वेयर हाउसिंग रिलेवन डेट फॉर ड्यूटी रेट अब ये बताओ कस्टम में अगर गुड्स वेयर हाउस है तो किस दिन का रेट लिया जाता है बोलो फटाफट ओके गुड्स अगर वेयर हाउस कर दिया गया तो रिलेवन डेट इज डेट ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड कम ऑन बॉन्ड और बॉन्ड तो जोर से बोलो और नालायक को कुछ लिखा करो कुछ टाइप किया करो ओके यहाँ पे मैं अगर ये सेशन ले रहा हूँ तो कुछ तो लिखो तो फाइनल में ना यार तुम बहुत डम्प हो जाते हो ओके तुम्हें बहुत दिक्कत जाती है कुछ टाइप करने में भी मुश्किल जाती है वही देखो इंटर के स्टूडेंट ओके कितने एक्टिव होते हैं ओके यहाँ पे सही कहते हो या फाइनल में जाओगे तो पूरा ऐसा इंस्टीट्यूट ना तुमको यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई 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 ऑफिस करके तुमको या सब एनर्जी खत्म कर डालती है तुम्हारी तो चलिए रेवन कब का लिया जाता है जब आप हाउस से क्लियर करने के लिए बिल ऑफ एंट्री डालते हो तो होम कंजम्पशन फॉर क्लियंस फ्रॉम वेयर हाउस जिसे एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है उस दिन का रेट लिया जाता है चलो ये हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 57 यहां पे लाइसेंस ऑफ पब्लिक वेयर हाउसेस पब्लिक वेयर हाउसेस किसके होते हैं पब्लिक वेयर हाउसेस लोकल बॉडी के होते हैं ओके लोकल अथॉरिटी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन म्यूनिपल कॉर्पोरेशन तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन एज प्रिस्क्राइब लाइसेंस पब्लिक वेयर हाउसेस वेयर ड्यूटीएबल गुड्स इसको रॉन करना वेयर ड्यूटीएबल गुड्स में भी डिपॉजिटेड अब सर ये ड्यूटीएबल गुड्स क्या होता है ड्यूटीएबल गुड्स ड्यूटीएबल गुड्स मतलब मतलब ऑन विच ड्यूटी इज लेविड ऑन विच ड्यूटी इज लेविड इज लेविड बट नॉट पेड बट नॉट पेड मतलब ऐसे गुड्स जिसके ऊपर ड्यूटी लेवी हो गई है देना है पर अभी तक नहीं दिया और जनरली देखो मेरा कहना क्या है अगर आपका गुड्स एग्जम्प्ट है तो वेर हाउस करने की जरूरत क्या है भाई वो तो एक्टी है फैसिलिटी किस लिए है वेर हाउसिंग फैसिलिटी इसलिए है कि आप अभी ड्यूटी नहीं दे सकते हो ओके अगर आप अभी ड्यूटी नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट आपका पेमेंट डिफोर्ट कर रही है ठीक है भाई ड्यूटी तब देना जब वेरहाउस से क्लियर होगा ठीक है अब सॉरी बेटा पावर कट हो गया था फिर से रिस्टार्ट किया है <coughs> तो यहां पे ड्यूटीएबल गुड्स हमारा डिस्कशन चालू था वो पब्लिक वेयर हाउस में डिपॉजिट किए जाएंगे चलो उसके बाद में लेते हैं सेक्शन लाइसेंस ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसेस प्राइवेट वेयर हाउसेस मतलब एक प्राइवेट कंपनी के या इंपोर्टर के किसके भी हो सकते हैं तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स यहां पे लाइसेंस देगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइसेंस ओके तो वो यहाँ पे लाइसेंस देगा किसको लाइसेंस प्राइवेट वेयर हाउस वेयर ड्यूटीएबल गुड्स ख्याल रहे ड्यूटीएबल गुड्स इम्पोर्टेड बाय और ऑन द बी ऑफ ऑफ लाइसेंस में क्वेश्चन आ सकता है क्या एग्जमटेड गुड्स या नील रेट गुड्स को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है क्या नहीं ओके okay, वो ओनली ड्यूटीएबल गुड्स का अवेलेबल है एग्जम्प्टेड और नील रेटेड गुड्स को अवेलेबल नहीं है बेटा सब ठीक चल रहा है मेरी आवाज क्लियर आ रही है ड्यूटीएबल yes no? तो गुड्स की नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन 58 क्या कहता है 58 एट ए कहता है लाइसेंस इन केस ऑफ स्पेशल वेयर हाउसेस अब यहां उन्होंने स्पेशली कहा स्पेशल वेयर हाउसेस ये स्पेशल वेयर हाउसेस क्या होते हैं कुछ नोटिफाइड गुड्स जो है वो यहाँ पे अंडर द लॉक ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट होते हैं मतलब पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस को कस्टम डिपार्टमेंट के लॉक नहीं होते हैं वहाँ सभी स्टॉक रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो वेयर हाउस कीपर पर होती है यानी जो ओनर ऑफ वेयर हाउस है वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा लेकिन स्पेशल वेयर हाउस में ओनर तो मेंटेन करेगा ही करेगा एज वेल एज पूरा कंट्रोल कस्टम डिपार्टमेंट का होता है ओके okay, तो इसमें नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 66 2016 में ये गुड्स की लिस्ट दी गई है तो ये कौन कौन से गुड्स है जो नोटिफाइड गुड्स माने जाते हैं पहले नोटिफाइड गुड्स में आपको समझा देता हूं और फिर सेक्शन फिफ्टी ए में यहां पे आपको पढ़ाता हूँ ओके okay, बेटा आवाज क्लियर आ रही है प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई ठीक है तो चलिए प्रिंसिपल कमिश्नर यहां पे ध्यान से देखिएगा तो प्रिंसिपल कमिश्नर ओके या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स सब्जेक्ट टू कंडीशन एस मे प्रिस्क्राइब लाइसेंस अ स्पेशल वेयर हाउस वेयर ड्यूटेबल गुड्स में भी डिपोजिटेड एंड सच वेयर हाउस ध्यान से देखिएगा शैल बी कॉज बाय बाय प्रॉपर ऑफिसर एंड नो पर्सन शैल एंटर इन वेयर हाउस और रिमूव एनी गुड्स विदाउट परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेशल वेयर हाउस है इसमें आपने क्या वर्ड यूज करना है यहां ड्यूटीएबल गुड्स रखे जाएंगे कस्टम डिपार्टमेंट के लॉक हो गए एंड यू कैन नॉट रिमूव द गुड्स विदाउट परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर उसके बाद में बोर्ड के पास पावर है कि वो कौन से क्लास ऑफ गुड्स ओके यहां पे वेयर हाउस में डिपॉजिट कर सकता है अब आपने इसके सिंपल तीन पॉइंट लिख देना ओके इन स्पेशल वेयर हाउस अगर स्पेशल वेयर हाउस के कुछ पूछा गया तो नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं अंडर द लॉक ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट होता है एंड इफ यू वांट टू रिमूव द गुड्स ओके फ्रॉम द वेयर हाउस और एनी पर्सन वांट टू एंटर इन वेयर हाउस तो वो सिचुएशन में परमिशन बाय प्रॉपर ऑफिसर होना जरूरी है कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स क्या सर ये लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी मैं कहूँगा लर्न वगैरह मत करना बस एक बार उसको यहाँ पे देख लेना लिस्ट को यहाँ सॉरी बेटा लिस्ट को एक बार देख लेना जैसे गोल्ड सिल्वर अदर प्रिशियस मेटल एंड सेमी प्रिशियस मेटल एंड आर्टिकल देर ऑफ ऑब्वियसली बेटा छोटा बच्चा भी ये बोलेगा क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आप वेयरिंग करना चाहते हो और ये गोल्ड और सिल्वर वेयरिंग जो करना आप चाहते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी जस्ट अंडर अ बॉन्ड तो इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इस टाइप के गुड्स अगर आपको वेयरहाउस करना है तो हम पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस जिसपे हमारा लॉक वगैरह नहीं होता है वहां नहीं करने देंगे ये आपको स्पेशल वेयर हाउस में करना पड़ेगा जो हमारे कंट्रोल में रहेगा दूसरा गुड्स वेयर हाउस फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ड्यूटी फ्री शॉप इन कस्टम्स एरिया कस्टम्स एरिया में आपको अगर पता होगा तो ड्यूटी फ्री शॉप होती है ओके okay, यानी होता है ना वो विदाउट ड्यूटी कस्टम्स एरिया मिलता है तो उसके गुड्स हो गए तो आपको जो है स्पेशल में रखने पड़ेंगे स्टोर्स हो गए तो स्पेशल वेयर हाउस में रखने पड़ेंगे और थर्ड सप्लाई फॉरेन प्रिविलेज पर्सन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्रिविलेज पर्सन रेगुलेशन एक्ट ये तीसरा याद रहे तो ठीक है अदरवाइज या छोड़ देना पर मेनली गोल्ड गोल्डल या प्रिशियस मेटल होगा या फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स के गुड्स हो गए या स्टोर्स होगा तो इस कैटेगरी के गुड्स आप स्पेशल वे में रखोगे ऑल ये सेक्शन हो गया ठीक है चल नेक्स्ट कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस प्रायोरिटी बी में रखो सी में रखो तो भी चलेगा प्रोसीजर आपको स्पेसिफिकली क्या पूछा जाएगा मैं बता दूंगा आगे ओके okay, चैप्टर अगर देखा जाए थ्योरेटिकल तो बड़ा चैप्टर है लेकिन स्पेसिफिक आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में मैं बताऊंगा बीस पढ़ोगे भाई ओके okay, तो चलिए मैं रीड कर लेता हूँ जैसे सेक्शन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट और फिफ्टी एट ए में आपको लाइसेंसेस 58 दिए जाते हैं के लिए लेकिन फिफ्टी एट बी में यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के पास पावर रखी है कि वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और सस्पेंड कर देंगे सिंपल वर्ड में कब कैंसिल करेंगे अगर वेयर हाउस है उसने लॉ फॉलो नहीं किया विदाउट ड्यूटी या, कोई कर duty, या कर लिया, कर लिया, तो सिचुएशन में आपके जो है, कैंसल कर जाते है। तो चलो रीड कर लेता हूं लाइसेंस ग्रांटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेर हाउसेज पब्लिक प्राइवेट स्पेशल वेयर हाउसेज कैन बी कैंसल प्रिंसिपल कमिश्नर में लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन सेवन इफ जो शर्तो पर आपको लाइसेंस दिया गया वो आपने शर्तें पूरी नहीं की तो आपका लाइसेंस कैंसल या सस्पेंड कर दिया जाएगा बिफोर कैंसलेशन लाइसेंस गिवन एपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ट नेक्स्ट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउस हाउस में बी सस्पेंडेड कभी कभी आपके इंक्वायरी uh, चालू है मतलब कैंसलेशन करना नहीं करना अभी दूर की बात है इंक्वायरी चालू है तो तब तक सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड नो गुड शैल बी डिपोजिटेड इन अ वेयर हाउस नेक्स्ट वेयर लाइसेंस इज कैंसल गुड्स वेयर हाउस रिमूव फ्रॉम सच वेर हाउस टू अनादर वे अगर आपके वेयर हाउस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो आपको इमीडिएटली वहां से गुड शिप करना पड़ेगा किसी दूसरे जो लाइसेंस वेयरहाउस में ओके या क्लियर करना पड़ेगा फॉर होम कंजम्पशन विद इन सेवन डेज सात दिन के अंदर सात दिन के अंदर यू ऑर टू शिफ्ट द गुड्स टू अनादर वेयर हाउस और यू ऑर टू क्लियर विथ क्लियर फॉर होम कंजन विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी पेमेंट ऑफ ड्यूटी ठीक है उसके बाद में टिल द टाइम ऑफ गुड्स आर डिपोजिटेड इन वेयर हाउस वेदर द केस ऑफ सस्पेंशन और विल रिमोवी कंटिन्यू गवर्न हाउसिंग प्रोविजन ऑफ कस्टम्स ऑफ लॉ ठीक है ये दिन में कस्टम्स की प्रोविजन लागू रहेगी लेकिन सात दिन के अंदर या अगर एक्सटेंशन मिलता है तो उतने पीरियड में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा चलो ये हो गया सेक्शन हमारा नेक्स्ट वेयर हाउसिंग बॉन्ड इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि ये जो है आप यहां प्रायोरिटी बी में रखिएगा वेयर हाउसिंग बॉन्ड सेक्शन फिफ्टी नाइन देखो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको वेयरहाउसिंग करना है तो आपको इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है आपको देना पड़ता है इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और आपको बॉन्ड भी देना पड़ता है बॉन्ड की अमाउंट होती है थ्राइज द ड्यूटी भाई ये ओके बॉन्ड के अमाउंट थ्राइज द ड्यूटी क्यों ओके okay, यहां कि, किस लिए थ्राइज द ड्यूटी उसके रीजन में बताऊंगा आपको पे नहीं करना है सिर्फ आपको इतने अमाउंट का बॉन्ड साइन करके देना है कि अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ हुई तो मैं लायबल रहूंगा और कितना लायबल रहूंगा थ्राइज द ड्यूटी में लायबल रहूंगा ओके okay, तो बॉन्ड जो है थ्राइज द ड्यूटी ये थ्राइज द ड्यूटी क्यों ओके okay, इसके तीन रीजन है तो चलिए मैं आपको यहां समझा देता हूं एन इंपोर्टर वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टर डिजायरस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी नीड टू एक्जीक्यूट इमडेमिनिटी बॉन्ड टू कवर द रिस्क ओके रिस्क टू गवर्नमेंट रेवेन्यू भाई गवर्नमेंट ने विदाउट ड्यूटी तुमको अलाउ किया वेयरहाउस में तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसके रिस्क है तो उसको कवर करने के लिए आपको ये इमडेमिनिटी बॉन्ड देना पड़ता है इम्पोर्टर रिक्वायर टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड फॉर द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल ऑके प्रेजेंटेड एंड असेस द ड्यूटी इम्पोर्टर एग्जूटिंग द बॉन्ड बाइन हिमसेल्फ उसको एग्जीक्यूट okay, कर रहा है वो किस लिए टू कम्प्लाई क्लॉज बी टू पी और टू कम्प्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स मतलब एक साल तक गुड्स वेयर हाउस में रहेगा तब तक आप जो है सारी जो कानून है सारी जो एक्ट की प्रोविजन है वो आप प्रॉपरली फॉलो करोगे कुछ भी गड़बड़ किया नालायक तो तुम्हारा बॉन्ड हमारे पास है ओके वो हम रिलीज कर लेंगे क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है विद आपके पास गारंटी बैंक गारंटी या सिक्योरिटी ली जाती है तो गवर्नमेंट अपने आप को यहाँ सिक्योर करता है इसलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना मतलब क्या कि वेयर हाउस से तो या जब कस्टम्स एरिया से, से वेयर हाउस तक लेके जाएगा तो इधर उधर ट्रक नहीं जाना चाहिए गायब नहीं होना चाहिए गुड्स प्रॉपरली हाउस में होना चाहिए वेयर हाउस कीपर जो भी रहेगा प्रॉपर तेरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए कोई भी गुड्स गा, गायब हुआ तो हम बॉन्ड लेंगे और बॉन्ड कितना लेंगे थ्राइज द ड्यूटी ओके बॉन्ड अमाउंट होगी थ्राइज़ द ड्यूटी ठीक है चलो उसके बाद में टू पे ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड ऑल ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन सिक्सटी वन टू तो जो भी आपकी ड्यूटी आती है <laughs> जो भी ड्यूटी आती है जैसे वेराउस के केस में ओके okay, सेकंड वाला देखो के केस में ड्यूटी कब आती है एट द टाइम ऑफ क्लियर फ्रॉम द वेर तो जो भी आपकी ड्यूटी आएगी ओके okay, प्लस उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है अगर विद इन टाइम आपने क्लियर नहीं किया ओके okay, तो इंटरेस्ट भी आ सकता है तो वो इंटरेस्ट दे गवर्नमेंट सिक्योर करती है थ्राईज द ड्यूटी ओके और थर्ड ऑल पेनोल्टीज एंड फाइन्स इनकर्ड फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हमने तो आपके ऊपर भरोसा किया है एक साल तक अगर आपने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया हो तो पेनल्टी लगती है फाइन लगती है तो उसको भी सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड दिया जाता है तो बॉन्ड तीन चीजों के लिए होता है टू कंप्लाई टू पे टू कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू कम टू पे ड्यूटी एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट तो ड्यूटी और इंटरेस्ट के लिए और पेनोल्टीज एंड फाइन के लिए ये तीनों को सिक्योर करने के लिए आपका बॉन्ड लिया जाता है चलिए कंसाइनमेंट बॉन्ड बॉन्ड दो टाइप के होते हैं एक कंसाइनमेंट बॉन्ड होता है और एक जनरल बॉन्ड होता है भाई ये कंसाइनमेंट बॉन्ड बॉन्ड और जनरल क्या होता है जैसे बॉन्ड यहां पे हमने देखा दो टाइप के हो गए ओके ओके कंसाइनमेंट बॉन्ड चलो चलो फटाफट देखो कंसाइनमेंट बॉन्ड और जनरल बॉन्ड जनरल बॉन्ड अब ये कंसाइनमेंट बॉन्ड क्या होता है ये बॉन्ड जो आपको हर कंसाइनमेंट पे देना पड़ता है ओके ईच कंसाइनमेंट यानी जब जब भी आप वेयर हाउस करोगे तो ईच कंसाइनमेंट पे आपको ये बॉन्ड देना है, यहाँ शुर पे श्योरिटी और सिक्योरिटी और वो है थ्राइज द ड्यूटी ओके वो है थ्राइज द ड्यूटी यानी जो भी ड्यूटी असेस होगी उसके थ्राइज का आपको श्योरिटी या सिक्योरिटी देना है और एक होता है जनरल बॉन्ड अब जनरल बॉन्ड क्या होता है कि मैं रेगुलर इंपोर्टर हूं तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि सर ये क्या है बार 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 बॉन्ड में जाओ बैंक गारंटी दो श्योरिटी दो सिक्योरिटी दो हमको बार बार, बार बैंक गारंटी चार्जेस लग जाते हैं तकलीफ होती है सर ऐसा मत करो तो गवर्नमेंट जो है फिर आपको यहाँ पे एक जनरल बॉन्ड देती है जनरल बॉन्ड मतलब जनरली तीन महीने का दिया जाता है मैक्स टू मैक्स सिक्स महीने का दिया जाता है यानी आपका पास परफॉर्मेंस यानी क्या कि आपने पिछले छह महीने में जो भी इम्पोर्ट किया है उसका एक एवरेज ड्यूटी निकाला जाता है एवरेज ड्यूटी निकाला जाता है ओके okay, और भाई ऑन एन एवरेज आप ड्यूटी क्या देते हो ओके okay, महीने का तो इसका थ्राइज द ड्यूटी जो भी आपका एक ड्यूटी uh, आया इसका द ड्यूटी वो बॉन्ड ले लेते हैं और अगले छह महीने के लिए आपको विदाउट बॉन्ड अलाउ कर देते हैं पर ट्रैक भी रखते हो यहाँ ट्रैक ये रखते हैं कि भाई ये इससे ज्यादा आपका इंपोर्ट नहीं बढ़ना चाहिए मतलब क्या कि कंसाइनमेंट से न लेते हुए एक पर्टिकुलर पीरियड का देते हैं पास परफॉर्मेंस के बेस पे एवरेज ड्यूटी निकालते हैं और उसका थ्राइज द बॉन्ड लेके आगे तीन महीना या छह महीना आपको परमिशन देते हैं कि ठीक है तू डायरेक्ट वेयर हाउस कर सकता है विदाउट बॉन्ड क्योंकि तूने ऑलरेडी एक जनरल बॉन्ड ले लिया है और वो जनरल बॉन्ड जो है थ्राइज द ड्यूटी ले लिया है यह अगर जनरल बॉन्ड का कंसेप्ट समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में आ गया तो चलिए तो यहां पे बेटा दो टाइप के बॉन्ड होते हैं एक कंसाइनमेंट बॉन्ड और एक जनरल बॉन्ड पढ़ लेता हूं

the rational being that importer potential liability can be extended to duty plus mandatory penalty 100 as well as fine no interest तो हमने पहले देख लिया कि भाई thrice the duty क्यों क्योंकि उसको duty देनी पड़ती है at the time of close तब duty rate बढ़ गए तो दूसरा आपका interest लगा तो आपकी penalty और fine लगी तो ये सारा सब कुछ cover करने के लिए यहाँ पे जो है consignment bond लिया जाता है उसके बाद में next बेटा general bond next आपका हम लेंगे general bond असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में परमिट द इंपोर्टर टू अ जनरल बॉन्ड पे कमिश्नर आपको हर कंसाइनमेंट पे बॉन्ड न लेते हुए जनरल बॉन्ड आपसे एग्जीक्यूट करवा सकता है जनरल अमाउंट अप्रूव इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिंग गुड्स टू इन द स्पेसिफाइड पीरियड मतलब क्या ये स्पेसिफाइड पीरियड का होता है ये जनरल बॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड का होता है आपके पास परफॉर्मेंस के बेस पे वो यहाँ पे देखते हैं कि ऑन एन एवरेज आप क्या ड्यूटी देते हो उसका थ्राइस देख जनरल बॉन्ड ले लेते हैं और कुछ पीरियड तक आगे आपको विदाउट बॉन्ड अलाउ करते हैं मतलब बॉन्ड तो ले लिया तो हर कंसाइनमेंट पे बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है

ये छोड़ दो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक रनिंग अकाउंट होता है कि कितना आपने समझ लो यहाँ पे पचास करोड़ का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया आपने पचास करोड़ का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया तो चलिए अभी इंपोर्ट कितना थ्राइस द ड्यूटी पचास करोड़ हुआ अभी आपका इंपोर्ट ड्यूटी हो गया दस करोड़ दस करोड़ उसमें डेबिट कर दिया जाएगा फिर वापस बीस करोड़ डेबिट कर दिया जाएगा इस तरह से आपका बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है अब वो बॉन्ड विल कंटिन्यू टू बी वैलिड हाँ ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है

बहुत सी बार वेयरहाउसिंग सेल होती है वेयरहाउसिंग सेल मतलब जो इंपोर्टर ने गुड्स लाया वेयरहाउस में रखा और वेयरहाउस में रखते वक्त ही सेल कर दिया आपको शेड्यूल थ्री याद आना चाहिए शेड्यूल थ्री यहाँ पे पैरा सेवन और एट और वेयरहाउस सेल होता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है तो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे मैं आपको कनेक्ट भी करवा के दूंगा पर अभी इतना समझिएगा कि अगर आप वेयरहाउस सेल करते हो तो बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा लेकिन ट्रांसफरी जिसको गुड्स आपने दिया है अगर वो फ्रेश बॉन्ड देता है तो ट्रांसफर उतने अमाउंट से रिलीज हो जाएगा यानी पहली जिम्मेदारी तो ओरिजिनल ओनर की होगी लेकिन अगर जिसने भी माल खरीदा वेर हाउस का वो क्योंकि उस clearance तो वो देगा जिसने माल खरीदा क्लियर तो वो करवाएगा जिसने माल खरीदा ओके okay, क्योंकि अभी भी गुड्स वेर हाउस में है तो वो सिचुएशन में वो अगर फ्रेश बॉन्ड देता है तो ट्रांसफरर गेट रिलीज फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ बॉन्ड ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए एक सर्कुलर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वॉट इज द असेबल वैल्यू इंपॉर्टेंट आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रायोरिटी ए प्लस प्लस प्रायोरिटी ए प्लस प्लस मैं दो बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक है वेयरहाउस हाउस सेल ओके गुड दैट आर वेयरहाउस हाउस अंडर वेयरहाउस सेल और दूसरा सी सेल ये दो कंसेप्ट को समझ लो सी सेल और एक होती है वेयर हाउस सेल वेयरहाउस सेल ओके हाईसी सेल और वेयरहाउस सेल ये हम जीएसटी एंगल से भी पढ़ेंगे और यहां पे कस्टम्स एंगल से भी पढ़ेंगे सबसे पहले तो मैं आपको जीएसटी में आपको याद होगा तो जीएसटी में सेक्शन सेवन वन सॉरी सेक्शन सेवन टू शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री इसमें पैरा सेवन और पैरा एट हमने देखा था और इन्होंने हाईसी सेल या सेल को ये दोनों पैरा ने हाईसी सेल और सेल को सप्लाई नहीं माना मतलब क्या सेल क्या होता है सेल मतलब बाहर के बाहर गुड चले गया हुआ इंडिया से लेकिन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या मतलब हमने यूएस से डायरेक्ट जापान भेज दिया ध्यान से सुनिएगा हमने यूएस से डायरेक्ट जापान भेज दिया तो वो आईसी सेल कहा जाता है हमने यहां पे यस ध्यान से सुनो यूएस जापान भेज दिया तो आईसी सेल कहा जाएगा या फिर हमने जब गुड्स हाईसी पे था तो ए बी को भेज इंडिया में बेचा लेकिन एन ए बी को भेज दिया ओके ओरिजिनल ओनर ए था और ओरिजिनल ओनर ए जो था ध्यान से देखो यहां पे समझ लो ए ने गुड्स खरीदा गुड्स हाई सी पे है और जब गुड्स हाई सी पे था पे था तो यहां पे ए की प्राइस एफ ओ बी प्राइस थी हंड्रेड रुपीज और ए ने बी को बेच दिया यहां पे ध्यान सुनिएगा ए ने बी को बेच दिया ओके हंड्रेड एंड टेन में इसको हम कहते हैं हाई सी सेल हाई सी सेल अब मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर कौन करवाएगा बी ओके गुड्स लैंड हो जाएगा तो लैंड होने के बाद क्लियर कौन करवाएगा बी बिल ऑफ एंट्री कौन देगा तो बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे फाइल करेगा फाइल करेगा मिस्टर बी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीसीडी तो अगर आपको याद होगा तो हाईसी सेल में मैंने पहले भी कहा था नहीं याद होगा तो अभी समझ लो हाईसी सेल होता है तो यहाँ पे वैल्यू होती है आपकी जो लास्ट प्राइस है ओके लास्ट प्राइस मतलब हंड्रेड तो आपकी वैल्यू हंड्रेड होगी ओके okay, ओके okay, यहां पे यानी जब गुड्स इंडियन टेरिटरी में आया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट 110 का था तो हाईसी सेल के केस में वैल्यू होगी अब यहां दो ट्रांजेक्शन लगेगा अब ध्यान से सुनो बीसीडी भी लगेगा और एसडी भी, भी, भी लगेगा ना आई जी एस मतलब एसडी इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा ओके गवर्नमेंट ने कहा जो ए टू बी सेल हुआ ये हाईसी सेल हुआ ट्रांजेक्शन पे नो जीएसटी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा इवन दो ये सेल इंडिया में हुआ लेकिन नो जीएसटी एस पर शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री के हिसाब से इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन लेकिन ओके यहाँ पे जब बी क्लियर करवाने जाएगा तो बी बी यहाँ पे 110 पर क्योंकि 110 पे जी आई जी लगने वाला है एस री थ्री सेवन लगने वाला है इसलिए 110 पे जीएसटी लगेगा उसके ऊपर बीसीडी एज वेल एस आई जी एस टी लगेगा okay, तो आई जी एस टी दो बार लग जाता था इसके ऊपर भी लगता था और जब बी क्लियर करने जा रहा है तब भी लग रहा है तो इंडस्ट्री का कहना है दो बार हम क्यों दे भाई ओके okay, हम यहाँ पे गलत है ना इधर भी दे बी और इधर भी दिया तो भी बर्डन बी पे आना है और क्लियर करवाएगा तभी बी पे आना है तो बी दो बार टैक्स क्यों दे तो ऐसे सिचुएशन में शेड्यूल थ्री में दो एंट्री ऐड की गई और ये हाईसी सेल होता है ओके यानी बिफोर क्लीयरेंस अगर सेल होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है समझा होगा तो यस बोलिएगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है उसके बाद में हाँ यहाँ पे बी को एक ही बार जीएसटी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस लेकिन कितने वैल्यू पे देना पड़ेगा तो उसको देना पड़ेगा 110 पे ये इतने वैल्यू पे उसको जीएसटी देना पड़ेगा समझा होगा तो जोर से बोलिएगा यस ये तो हाई सी सेल लेकिन वेरहाउस सेल अगर होता है ध्यान से सुनो वेरी इंपॉर्टेंट वेर हाउस सेल होता है मतलब क्या वेर हाउस सेल में ओके okay, गुड्स आ गया ओके okay, इंडिया में आया भाई आया आया ओके okay, और ये गुड्स लैंड भी हुआ इसकी ओनरशिप जो थी ए के पास थी ओनरशिप ए के पास थी ए ने इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया बॉन्ड भी दिया बॉन्ड इक्वल्स टू थ्राइज भी दिया फिर गुड्साउस में डिपॉजिट हो गया सेल किया ध्यान सुनो ए ने बी को सेल कर दिया okay, जब में था, तो ए ने बी को सेल किया तो नो डाउट ओके अब तो क्लियर तो करवाएगा बी ओके okay, करवाएगा बी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देगा बी ओके okay, पे ख्याल रखना एसरी थ्री सेवन के भी कैलकुलेशन हमने देखे थे 37, 39, सेल होता है तो क्या होगा ये साथ साथ में ध्यान सुनिएगा ओरिजिनल एफ ओ बी प्राइस थी ओरिजिनल एफ ओ बी प्राइस थी हंड्रेड और ये वेयर हाउस सेल हुई, सेल हुई सेल 100, और ये सेल, okay, सेल ट्रांजेक्शन वैल्यू थी हंड्रेड एंड टेन ट्रांजेक्शन वैल्यू थी 110 ओके यहाँ पे और एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बी फाइल करेगा तो अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि शेड्यूल थ्री के हिसाब से ओके यहां पे ये नॉट अ सप्लाई ये सप्लाई नहीं माना जाएगा मतलब मतलब ये जो सेल हुआ इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके ये क्लियर हो गया उसके बाद में नेक्स्ट जब बी क्लियर करने जाएगा वेयर हाउस से तो बी जब क्लियर करने जाएगा एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो यहां पे बी सी डी ओके okay, बीसीडी और एसीडी थ्री सेवन एंड थ्री नाइन दो ड्यूटी लगेगी बीसीडी कितने वैल्यू पे लगेगी ओके okay, अब आपके सामने सवाल है कि बीसीडी कितने वैल्यू पे लगेगी तो जब मैंने एसीडी थ्री सेवन का कंसेप्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको यह पॉइंट समझाया था ओके बीसीडी सी ये सर्कुलर के हिसाब से अब ये सर्कुलर आपको बताऊंगा बीसीडी ओरिजिनल प्राइस पे लगेगी यानी ये हंड्रेड बीसीडी हं, हंड्रेड पे लगेगा बीसीडी 100 पे लगेगा समझ लो आपका बीसीडी का रेट जो है 10 परसेंट है ओके तो 100 इंटू टेन 10 परसेंट इस तरह से बीसीडी लगेगा तो ये बीसीडी ख्याल रहे ओरिजिनल इंपोर्टर के प्राइस पे लगेगा फिर आपका सवाल होगा कि सर एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री तो बी दे रहा है अगर बी एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दे रहा है तो ए की ओरिजिनल प्राइस उसको पता चलेगी क्या पता चलेगी और बी को कॉल करना पड़ेगा हेलो मिस्टर ए ओके आपकी ओरिजिनल प्राइस बताइए प्लीज ओके क्योंकि मुझे असेसमेंट करवाना है सर अगर ए ने प्राइज नहीं दिया बच्चों जैसी बातें मत करो करोड़्स के कंसाइनमेंट होते हैं ओके अगर ए ने प्राइज नहीं दिया तो फिर उसको यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा फिर 110 पे देना पड़ेगा अगर उसको ड्यूटी सेव करना है तो उसको हंड्रेड रुपीज का प्राइस का डिटेल्स ए से लेना पड़ेगा कहना पड़ेगा कि भाई ए ओके तेरे सब डॉक्यूमेंट्स दे क्यों क्योंकि ये सर्कुलर कहता है कि जो ओरिजिनल इंपोर्टर है उसके हिसाब से प्राइस लिया जाएगा ओके अगेन यहां पे लिया जाएगा ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा ओके okay, फिर से सुनिएगा कि यहां पे ये जो है वो शेड्यूल थ्री के हिसाब से सप्लाई नहीं होगा फिर सवाल है कि बीसीडी कितना ये जब मैंने एसडी थ्री सेवन के कैलकुलेशन पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था बीसीडी ओरिजिनल प्राइस पे जाएगा लेकिन एस थ्री सेवन कितने पे जाएगा तो एसडी थ्री सेवन आपको याद होगा तो थ्री एट और थ्री एट ए अभी जाके कंसेप्ट पढ़ लेना थ्री एट एम कहा गया कि आपकी जो हाँ ध्यान सुनेगा असेसिबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस ऑल ड्यूटीज और ट्रांजैक्शन वैल्यू एवर इज हायर यानी ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू प्लस यहां पे बीसीडी एसडब्ल्यू एस एंटीडम्पिंग ड्यूटी सिप गार्ड ड्यूटी सब कुछ ऐड करके या फिर आगे वाली ट्रांजेक्शन वैल्यू एवर इज हायर इज हायर वो लिया जाएगा समझ लो समझ लो ये एफ ओ वी एफ ओ प्लस बी सी डी प्लस एस डब्ल्यू एस प्लस अदर ड्यूटीज ये अदर ड्यूटीज ये सब कुछ ऐड करके आपका हंड्रेड एंड सेवन आ रहा है और आगे की आपकी ट्रांजेक्शन 110 हंड्रेड एंड टेन आ रही है हंड्रेड एंड टेन आ रही है तो फिर एस थ्री सेवन के लिए कितना लिया जाएगा हंड्रेड एंड टेन ओके और अगर ये हंड्रेड एंड फिफ्टीन आ रहा है तो फिर कितना लिया जाएगा 110 और 115 एंड फिफ्टीन विचेवरीज हायर तो इन शॉर्ट बी के लिए ऑलवेज आपको ओरिजिनल वैल्यू लेनी है लेकिन एस थ्री सेवन के लिए आपको एस डी एट ए सेक्शन एस का एट ए वो रेफर करना है और एवर इज हायर ये वैल्यू लेनी है बेटा ये समझा होगा तो जोर से बोलो यस ओके वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समझा होगा तो यस yes. तो देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईसी सेल और वेयर हाउस सेल

एट uh, ए के हिसाब से आपको इज हायर लिया जाएगा समझा होगा तो प्लीज हां कहिएगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था तो देखिए मैंने डिफरेंस भी दिया है यहां पर सेल में क्लैरिफिकेशन क्या कहते हैं द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स शाल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स दस इन केस ऑफ सेल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आफ्टर दे आर इन इंडियन टेरिटरी द वैल्यू एट विच ट्रांजेक्शन टूक प्लेस विल नॉट क्वालिफाइज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू विल नॉट क्वालिफाई एज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज लिखो यहां पर ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंपोर्टर फर्स्ट इंपोर्टर शैल बी टेकन शैल बी टेकन ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंपोर्टर शैल बी टेकन और हाईसी से लोगा तो लास्ट बायर की प्राइस ली जाती है हाईसी से लोगा तो लास्ट बायर की प्राइस ली जाती है चलो डन हो गया मैंने डिफरेंस दिया है या आप पढ़ सकते हो सेक्शन सेक्शन 16 Section 60 कहता है कि अगर आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लिया और बॉन्ड में भी कंसाइनमेंट बॉन्ड होगा या आपका जनरल बॉन्ड होगा द ड्यूटी तो आपको ऑर्डर दे दी जाएगी वेयर हाउसिंग ऑर्डर ऑर्डर परमिटिंग टू डिपॉजिट द गुड्स इन अ वेयर हाउस आपको दे दिया जाएगा थोड़ा मैं आपको यह समझाता हूं. देखो जब भी गुड्स आपका आता है यहां पे कस्टम्स एरिया में तो आपको बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 में देनी पड़ती है सेक्शन 46 की दो बिल ऑफ एंट्री है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन और एक होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ओके इसको हम इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन दिया है तो ये सिचुएशन में ध्यान सुनो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन दिया है तो ये सिचुएशन में आपको जो है यहां पे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दिया हो तो यह सिचुएशन में सेक्शन 47 में ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस मिलती है सेक्शन 47 में ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस मिलती है और आपने वेर हाउसिंग दिया होगा तो सेक्शन 60 में सेक्शन 60 में ऑर्डर टू डिपॉजिट इन गुड्स ऑर्डर टू डिपॉजिट डिपॉजिट गुड्स इन वेरॉस मिलता है इन वेरॉस पर यहां पे आपको बॉन्ड देना पड़ता है और बॉन्ड के अमाउंट थ्राइज द ड्यूटी देती है और यहां पे आपको ओके ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है यहां पे आपको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है तो आप पेमेंट के बाद ऑर्डर मिलेगी या बॉन्ड के बाद आपको ऑर्डर दिया जाएगा डन चलिए तो ये कंसेप्ट था सेक्शन सिक्सटी का अब ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब आपकी कस्टम पोर्टल पे मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट सेक्शन 61 पीरियड स्टार ए प्लस 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 अच्छे से करके जाना और एक काम कर लो ये टेबल में इसको क्लॉज ए करना क्लॉज बी करना और क्लॉज सी करना वेयर हाउसिंग पीरियड ओके आप कितने दिन तक वेयरहाउस में रख सकते हो तो देखो मैंने पैसे भी आपको पहले समझाता एक साल तक आप वेयर हाउस में रख सकते हो एनी वेयर हाउस गुड्स मे रिम्स इन विच दे सारा वेयर हाउसिंग पीरियड मिला के मतलब जहां डिपॉजिट किया या फिर आपको शिफ्ट करना पड़ा तो टोटल वेयर हाउसिंग पीरियड आपको एक साल का दिया जाएगा लेकिन इसमें तीन पैरामीटर है थोड़ा मैं तीनों पैरामीटर को पढ़ लेता हूं इसमें तीन पैरामीटर तीनों पैरामीटर को मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं चलो अब देखो ये क्या कहते हैं पहला इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ध्यान से देखिएगा इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी हंड्रेड परसेंट इस टीपी और वेर इन मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन हैज बीन परमिटेड अंडर सेक्शन 65 हम आगे देखेंगे till the, their clearance for clearance from warehouse okay in case of other than capital goods intended for use in any 100% euu estp STP or any warehouse wherein manufacture or other operation has been carried out till their clearance or till their clearance or home consumption from warehouse okay और इन केस ऑफ अदर गुड्स मतलब अदर अदर यानी अदर देन ए बी यानी तीसरा वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नॉर्मल केस नॉर्मल केस तो वो है गुड्स में बी लेफ्ट इन अ वेयर हाउस विद इन ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर जिस दिन आपको वेयर हाउसिंग ऑर्डर मिली सेक्शन सिक्सटी में वहां से एक साल तक गुड्स वेयर हाउस में रह सकता है अब मैं थोड़ा आपको बता दूं वेयर हाउसिंग पीरियड आपको अगर रफ में मेरे साथ चार्ट ड्रॉ करना याद कर सकते हो वेअर हाउसिंग पीरियड नॉर्मली नॉर्मली ठीक है यहां पे वन ईयर फ्रॉम वेअर हाउसिंग ऑर्डर नॉर्मली वन ईयर फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑर्डर जिस दिन ऑर्डर मिला वहां से वन ईयर लेकिन अगर आप हंड्रेड परसेंट ईओ यू हो और ई एस टी पी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या एस टी पी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एनी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशंस अदर एस पर सेक्शन सिक्सटी फाइव होगा सेक्शन सिक्सटी फाइव आगे पढ़ा होगा आपको एस पर सेक्शन सिक्सटी फाइव होगा तो ये केस में ये दोनों केस में आपका कैपिटल गुड्स हो या अदर गुड्स हो अदर देन कैपिटल गुड्स हो अदर देन कैपिटल गुड्स हो आप दोनों केस में कैपिटल गुड्स और अदर देन कैपिटल गुड्स हो तो क्या कहते वो ओके टिल क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस ओके, अदर देन कैपिटल गुड्स हो तो टिल क्लीयरेंस मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है टिल क्लीयरेंस और कंजम्पशन टिल क्लीयरेंस और कंजम्पशन दैट इज मैं सिंपल वर्ड में ये कहना चाहूंगा नो टाइम लिमिट आप जब तक चाहो तब तक आप रख सकते हो इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है ओके okay, तो इस तरह से वेरोजिंग हाउसिंग इसको समझो नॉर्मली एक साल लेकिन यो यू ये वगैरह होगा तो कैपिटल गुड्स या कुछ भी हो ओके टिल क्लियरेंस और कंजम्पशन ओके okay, उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है चलो आगे पढ़ते हैं द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ कस्टम में ऑन सफिशिएंट कॉज बिंग शोन

टू सच शॉर्ट ए पीरियड एस मे बी डीम फिट मतलब को लिख लो दैट इज वन इफिसर को ऐसा लग रहा है कि यार ये गुड्स एक साल में खराब हो सकता है आपने मैंगोज लाए या कोई नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाया ओके वैसे तो डिफॉल्ट वेयर हाउसिंग पीरियड एक साल का है एक्सटेंशन फर्दर एक साल का है लेकिन जो बेसिक पीरियड एक साल का है आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना जो बेसिक पीरियड एक साल का है ऑफिसर को लगता है कि नहीं 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 गुड्स खराब हो सकता है भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो ऐसे केस में वो खुद हो कहेगा नहीं एक साल नहीं आप कहोगे अरे सर एक्ट में तो एक साल लिखा है सेक्शन 61 लिव इट सेक्शन 61 एक साल लिखा लिव इट ओके okay, यहां पे सुनिएगा ओके okay, वो कहेगा कि मैं इसको दो महीने से ज्यादा नहीं अलाउ करेगा मैंगो है बेटा ओके okay, होगा तो वो कहेगा दिन बस उससे ज्यादा नहीं तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स को लाइकली टू डिट होगा तो वो टाइम पीरियड कम कर सकता है उसको पूरी पावर है अंडर सेक्शन सिक्सटी वन ओके तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके नेक्स्ट तो वह ये सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर तो जब ये चैप्टर पहले था सिलेबस में तो ये इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज पूछी थी उन्होंने where any warehouse goods specified in clause c of subsection 1 remains in a warehouse beyond a period of 90 days from the day on which proper officer has made an order under section 60, interest shall be payable 15% per annum on an amount duty payable at the time of clearance of goods for a period for from an expiry of said 90 days till the date when payment of duty on such warehouse goods is made. Actually. देखिए ध्यान से सुनिएगा आपको ये डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करनी है तो करो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ग्रिप आ जाएगी कंसेप्ट ओके गुड्स इंपोर्ट हुए ये हुए इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स चलिए ओके अब ये गुड्स जो इंपोर्ट होने के बाद रखे गए वेयर हाउस में ओके okay, वेयर हाउस में आपने इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया और बॉन्ड भी दे दिया बॉन्ड कितना दिया थ्राइज द ड्यूटी अब आ गए। हाउस में आ गए इसको कहा जाएगा वेयर हाउस गुड्स अब वेर हाउस में आने के बाद इसको कहा जाएगा वेर हाउस गुड्स ठीक है अब ये जो वेयर हाउस गुड्स है ओके ये लॉ क्या कहता है ये ध्यान सुनना रिमेंस इन अ वेर हाउस रिमेन्स इन अवेर रह सकता है और कितना वन ईयर ये वन एक साल तक रह सकता है वन ईयर प्लस एक्सटेंशन वन ईयर एक्सटेंशन वन ईयर प्रोवाइडेड डेट कि वो डिटोरिएट नहीं होना चाहिए एक्सटेंशन वन ईयर लेकिन लॉ ये कहता है अब कहां से वन ऑर्डर सेक्शन सिक्सटी में जिस दिन आपको ऑर्डर मिली थी ऑर्डर टू डिपॉजिट गुड्स गुड्स इन वेयर हाउस जिस दिन ऑर्डर मिली थी वेयर हाउस में रखने की वहां से एक साल फर्दर एक्सटेंशन वन ईयर इफ गुड्स आर नॉट लाइकली टू डिटोरिएट लेकिन समझने लायक बात क्या है समझने लायक बात है कि गवर्नमेंट कहती है आप रखो एक साल एक साल रखो हमें प्रॉब्लम नहीं है या एक्सटेंशन भी करो लेकिन जैसे आपके 90 डेज हो जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 90 डेज हो जाते हैं फ्रॉम द ऑर्डर अगर आपने 90 डेज में क्लियर नहीं किए 90 डेज में क्लियर नहीं किए तो तो आपको नाइन्टी वंथ डे से आपको सॉरी आपको नाइन्टी वंथ डे से डे से टिल क्लियरेंस टिल सॉरी टिल पेमेंट ऑफ ड्यूटी यानी जब आप एक्सबॉन्ड फाइल करोगे टिल पेमेंट ऑफ ड्यूटी आई होप आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे होगे नहीं कर रहे होगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं वैसे तो डायग्राम बाद में बता दूंगा स्क्रीन ले लेना नहीं ड्रा किया होगा तो यानी चलो देर आए है दुरुस्त आए लेकिन मेरे साथ ड्रॉ करो तो मज़ा आएगा आप इन्वॉल्व भी रहोगे तो नाइन्टी डे से टिल द डेट ऑफ ड्यूटी आपको लगेगा क्या भाई आपको लगेगा इंटरेस्ट भाई ओके okay, इंटरेस्ट क्या रेट से लगेगा फिफ्टीन परसेंट पर एन से डे बेसिस पे कैलकुलेशन होगा डे बेसिस पे कैलकुलेशन होगा डे बेसिस पे कैलकुलेशन होगा और ये इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा ओके okay, तो इंटरेस्ट आपको लगेगा ओके ऑन द अमाउंट सॉरी फिर से पावर कट हुआ एक बार मैं फिर से बता देता हूं यहां पे देखिए इंटरेस्ट 15 परसेंट अमाउंट पे तो इंटरेस्ट आपको 15 परसेंट पे लगेगा नाइनटी डे से टिल द दे डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंटरेस्ट कितने वैल्यू पे लगेगा जितना ड्यूटी पेबल होगा एट द टाइम ऑफ क्लियर फॉर होम कंजन एंड एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री एक्समान बिल ऑफ एंट्री ये फाइल करते वक्त जितने अमाउंट पे आपको जितना अमाउंट देना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा ओके okay, उस इंटरेस्ट लगेगा अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है आप एक साल तक आप एक साल तक हाउस में रख सकते हो मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि 90 डेज बाद आप नहीं रख सकते हो आप एक साल तक फर्दर एक्सटेंशन वन ईयर भी है लेकिन इंटरेस्ट आपको डे 91 से. मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट यह कहना चाहती है कि जितना जल्दी आप क्लियर कर सकते हो कर लो भाई क्योंकि नब्बे गवर्नमेंट का भी पैसा अटका हुआ है नब्बे दिन के अंदर क्लियर करो गवर्नमेंट कहती है ओके okay, क्यों क्योंकि नाइनटी वन डे के बाद आप रख सकते हो हमने एक साल दिया है रख सकते हो पर विथ इंटरेस्ट तो जो 15 परसेंट का इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है रखो यानी इंटरेस्ट फ्री पीरियड यानी ये जो 90 डेज है ये 90 डेज आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड है इंटरेस्ट फ्री पीरियड है ओके okay. इसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये पॉइंट समझ में आया क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या ये ठीक है तो एक बार यहां आप मिस्टेक कर सकते हो वेराउजिंग पीरियड वन ईयर है लेकिन इंटरेस्ट जो है 90 डेज के बाद है इंटरेस्ट 90 डेज के बाद है समझा होगा तो प्लीज यस कहिएगा जो भी मेरे से कनेक्टेड है तो चलिए अब एक केस स्टडी बताओ आपको इंटरेस्ट देना है जो भी अमाउंट पेबल है एट द टाइम ऑफ क्लीयरेंस अब यहां दो ऑप्शन है ओके यहां दो ऑप्शन है सर ओके मैं लेट हो गया अब अब जब भी आप क्लियर कर रहे हो तो दो ऑप्शन है लेट्स टेक एग्जांपल ऑप्शन वन ऑप्शन वन या केस वन कहूंगा केस वन और केस टू केस वन और केस टू केस वन मेरी ड्यूटी पेबल है ड्यूटी पेबल पेबल एट टाइम ऑफ क्लियर और वह है दस लाख टेन लाख, और दूसरा ऑप्शन केस टू ड्यूटी पेबल है ड्यूटी पेबल है नील ड्यूटी पेबल है नील अब देखो क्या हुआ अगर मेरी ड्यूटी पेबल दस लाख है तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे आएगा ओके इंटरेस्ट दस लाख पे आएगा क्यों नाइनटी वन डेज है ओके okay, तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा इंटरेस्ट ऑन टेन लैक्स इंटरेस्ट ऑन यहां पे टेन लैक्स लेकिन ये तो ठीक है और जितने भी नंबर ऑफ डेज होते हैं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो ठीक है लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दू क्या एक केस ऐसा हुआ था कि जब यहां पे पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ था इनटू बॉन्ड तब रेट था पंद्रह परसेंट तब रेट था पंद्रह परसेंट उसने था ड्यूटी बॉन्ड दिया और गुड्स को डिपॉजिट कर दिया लेकिन उसने क्लियर करवाया नाइनटी डेज के बाद क्यों ने उसने वेराउसिंग पीरियड पूरा लिया एक साल और क्लियर करवाया अब बंदे का लक ऐसा कि जब वो क्लियर करवा रहा है जब वो क्लियर करवा रहा है उस दिन रेट नील हो गया गुड्स पे एग्जामेशन आ गया अब लग समझो अब क्लियर करवाते वक्त अगर रेट नील है तो सेक्शन 15 के हिसाब से अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 15 के हिसाब से 15 के हिसाब से व्हाट इज द रिलेवेंट डेट इन केस ऑफ वेयर के वेयर हाउस गुड्स तो रिलेवेंट रिलेवेंट सॉरी सेक्शन 15 के हिसाब से ड्यूटी रेट सॉरी अप्लीकेबल ड्यूटी रेट अप्लीकेबल ड्यूटी रेट रेट इज नील, अप्लीकेबल ड्यूटी रेट इज नील ठीक है मतलब ड्यूटी पेबल दैट इज नो ड्यूटी इज पेबल नो ड्यूटी इज पेबल नो ड्यूटी इज पेबल अब अगर ड्यूटी पेबल नहीं है तो सवाल क्या है क्या इंटरेस्ट लगेगा सवाल यह है कि वेदर इंटरेस्ट वेदर इंटरेस्ट इज पेबल इज पेबल अगर आप 90 डेज के बाद क्लियर कर रहे हो तो क्या इंटरेस्ट लगेगा क्या क्योंकि ड्यूटी तो नील होगी आप लकी हो गए लकी हो गए मतलब आपका रेट नील हो गया ओके okay, आप लकी हो गए अब ड्यूटी नील है तो ऑफिसर ने कहा देख भाई ठीक है ड्यूटी नील सेक्शन 15 के हिसाब से, ले ले। तो से क्योंकि बॉस तो तो ये तो गलत है ना कि तू बोलेगा कि इंटरेस्ट भी ले ये तो गलत है ना 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 ओके लॉ के वर्डिंग्स क्या है लॉ के ये है कि 15 परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा ओके ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियर ऑफ गुड्स व ड्यूटी पेबल एट क्लियर इंटरेस्ट इज वेदर इंटरेस्ट इज पे इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा इंटरेस्ट भी कितना इंटरेस्ट भी नील हो जाएगा ओके okay, तो यहाँ पे ये वर्डिंग्स पूरा ख्याल रखना कि जितना ड्यूटी पेबल होगा उतना इंटरेस्ट क्यों ना नब्बे दिन के बाद रखे अब आपका एक सवाल आ सकता है सर कोई नब्बे दिन से ज्यादा क्यों रखेगा रखेगा उसको लगता है ऐसा कि पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट वो दे सकता है ओके okay, तो क्योंकि आपको अभी तो जेब से पैसा नहीं जाएगा ना करोड्स में ड्यूटी है आपकी बैंक से भी आप वर्किंग कैपिटल का पैसा निकाल के दोगे तो आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट चौदह पंद्रह अठारह परसेंट लग जाएगा तो बेटर वे आप पंद्रह परसेंट में रखने को रेडी हो जाते हो तो लोग रखते हैं लेकिन कुछ लोग नब्बे दिन के अंदर भी क्लियर कर लेते हैं ओके okay, तो यहां पर तो जहां तक देखा जाए तो यस ये जो है आप इस तरह से पूरा प्रोविजन अप्लीकेबल होता है बस मेरा समझाना ये है कि जितना इंटरेस्ट है वो जो भी अमाउंट पेएबल होगी एट द टाइम ऑफ प्लेंस उसके ऊपर लगेगा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो चल नीचे देखो इफ नो कस्टम ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस नो इंटरेस्ट इज पेबल इंटरेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ेगा

Uh, कुछ गुड्स के केस में वो इंटरेस्ट उस दिन से लगाएंगे 91 वन से डे नहीं उस दिन से लगाएंगे जिस दिन ऑर्डर टू रिपोजिट मिली फर्स्ट डे से ही लगा देंगे फर्स्ट डे से ही वो इंटरेस्ट लगा सकते हैं ओके okay, तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट जरूर आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा डन बाकी तो व्हाट डू मीन बाय ईएसटीपी एसटीपी ये तो आपने पढ़ सकते हो सेक्शन सिक्सटी फोर ओनर हास्टी uh, 62 63 थ्री ओमिटेड ओके वो सेक्शन नहीं है डायरेक्ट सेक्शन 64 हम लेंगे ओनर राइट्स टू डील हाउस गुड्स ओनर ऑफ ए एस गुड्स जब आपका गुड्स वेयर हाउस में है तो आपके पास क्या राइट्स है मैं ओनर हूं अभी तक तो क्लियर नहीं करवाया पर गुड्स वेयर हाउस में है ओके okay, तो ओनर ऑफ एनी वेर हाउस गुड्स आफ्टर वेयर हाउसिंग द सेम इंस्पेक्ट द गुड्स आप जाके गुड्स इंस्पेक्ट कर सकते वेयर हाउस में डील विद कंटेनर इन सच ए मैनर बी नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस और डिटोरियशन और डैमेज ऑफ द गुड्स अगर उनके कंटेनर्स है तो कंटेनर को प्रॉपरली आप अरेन्ज कर सकते हो पैक कर सकते हो रिपेयर कर सकते हो सो so दैट आपका गुड्स जब तक वेयर हाउस में है तब तक कोई आपका डिटोरियोशन ना हो या डैमेज ना हो सॉट द गुड्स आप गुड्स अलग अलग भी कर सकते हो और आप कस्टमर को गुड्स दिखा सकते हो फॉर सेल ये प्रायोरिटी बी में रखना की ओनर्स के क्या राइट है जब गुड्स वेयर हाउस में हो ओनर्स के क्या राइट्स है जब गुड्स वेयर हाउस में हो तो ये ओनर्स के राइट यहाँ पे दिए है चलिए नेक्स्ट सेक्शन 65 फाइव मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू वेयर हाउस इन रिलेशन टू गुड्स इन अ वेयर हाउस चलिए पूरा टेक्स्ट में समझाऊंगा आगे वाले डायग्राम के साथ सेक्शन 65, 66 और इसके बाद एक डायग्राम है ये डायग्राम पे आ जाओ दिस डायग्राम मोस्टली रिलेटेड टू सेक्शन 65। सेक्शन 65। फाइव यहां लिख दो ये डायग्राम पे चलो हाँ अब देखो यहां पे। और इसका चार्ट भी हम ड्रॉ करेंगे यहां पहले डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लो देखिए बेटा यहां पे समझ आपने एग्जाम्पल लीजिए कि फैब्रिक्स लाया ये फैब्रिक्स लाने के बाद आपने डिपॉजिट किया वेयरहाउस में आपने इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की आ, साथ साथ में बॉन्ड भी दे दिया थ्राइज द ड्यूटी और नेक्स्ट आपने ये फैब्रिक्स वेयर हाउस में डिपॉजिट भी कर दिया अब ये फैब्रिक्स जब आपने वेयर हाउस में डिपॉजिट कर दिया अब यह फैब्रिक्स से आपको बनाना है शर्ट तो होगा क्या पता नहीं आपको कितना याद आएगा लेकिन कोशिश करता हूं समझाने की आपके पास दो ऑप्शन है वेयरहाउस से क्लियर कर लो फैब्रिक्स को फैब्रिक्स से वेयरहाउस से क्लियर कर लो और इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो शर्ट ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन बहुत सी बार क्या होता है एक्सपोर्टर्स इंडिया में सिर्फ गुड्स इसलिए लाया जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत सस्ती है लेबर बहुत सस्ता है वो गुड्स इंडिया में क्लियर करने का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो गुड्स इंडिया में ला के ओके okay, प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करने का ऑब्जेक्ट होता है यानी वो ऑलरेडी एक्सपोर्टर है वो लाई इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना है इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स दी गई है अगर आपने एफ टी भी होगा तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मतलब आप इनपुट्स लाई इसलिए इम्पोर्ट कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है पर ठीक है वो स्कीम अलग है उसकी दुनिया भर की कंडीशन है अभी मैं इंपोर्टर समझ लो और मैं ये फैब्रिक्स ला रहा हूं अब ओके तो ये जो फैब्रिक्स मैं ला रहा हूं नो no डाउट मुझे पहले से बताया कि फैब्रिक से जो गुड्स में बनाऊंगा ओके okay, यहाँ शर्ट्स वो शर्ट्स मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ वो शर्ट्स मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ तो अब मैं नॉर्मली क्या करूँगा नॉर्मली ये करूंगा कि यहाँ पे ध्यान से सुनना हर पॉइंट मेरा शर्ट्स फैब्रिक्स लाओगा फैब्रिक्स पे वेयर हाउस में रखूंगा हाउस में रखने के बाद उसको क्लियर करवाऊंगा क्लियरेंस पे कस्टम ड्यूटी पे करूंगा और उस पर कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद फैक्ट्री में लेके जाओगा फैक्ट्री में ले जाने के बाद मैं उसका शर्ट बनाऊंगा और फिर शर्ट एक्सपोर्ट करूंगा अब मैंने अगर कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद शर्ट बनाए और शर्ट बना के एक्सपोर्ट कर दिए तो मैंने जो फैब्रिक्स पे कस्टम ड्यूटी पे की सेक्शन 75 में मुझे ड्रॉबैक मिलता है सेक्शन ड्रॉबैक uh, का एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 74 और सेक्शन 75 तो सेक्शन 75 में आपको इंपोर्टेड मटेरियल पे जो आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी उसका ड्रॉबैक मिलता है और वो ड्रॉबैक क्या रेट से मिलता है तो वो ड्रॉबैक ऑल इंडस्ट्री रेट ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट वो रेट से ड्रॉबैक मिलता है लेकिन इसमें बेटा प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर सौ रुपए का ड्यूटी दिया होगा सौ रुपए का ड्यूटी तो पहले तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया सौ रुपए का ड्यूटी दे दिया उसके बाद में आपका क्या हुआ उसके बाद में जो है आप यहाँ पे फैक्ट्री में लेके गए मैन्युफैक्चरिंग किया और आपको ड्रॉबैक जो मिला वो सौ रुपए का पूरा सौ रुपए नहीं मिला आपको एवरेज ड्रॉबैक मिलता है और वो मिलता है ऑल इंडस्ट्री ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांडेड से हो सकता है आपको अस्सी रुपए मिला होगा हो सकता है यहां पे आपको नब्बे रुपए मिला होगा पूरा तो मुश्किल है मिलना ओके okay, ऐसे सिचुएशन में क्योंकि वो तो एवरेज रेट होते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट वो जो होते यहां पे वो तो एवरेज रेट होते हैं तो बहुत सी बार नुकसान भी हो सकता है पैसा भी ब्लॉक हो गया और नुकसान भी हो गया तो गवर्नमेंट सेक्शन 65 में बहुत अच्छा आपको एक परमिशन देता है और गवर्नमेंट क्या कहता कहते हैं okay, आप अगर चाहो जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे से हमारे ऑफिसर से आप अगर चाहो तो वेयर हाउस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग या अदर ऑपरेशन कर सकते हो कम ऑन आप अगर चाहो तो वेयर हाउस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग या अदर ऑपरेशन आप कर सकते हो क्या वेयर हाउस के अंदर मैं शर्ट बना सकता हूं यस yes. क्या मैं मशीनरी ला सकता हूं यस yes. ओके okay, आप क्या कर लो आपके कोई वेयर हाउस को प्राइवेट वेयर हाउस का लाइसेंस ले लो और प्राइवेट वेयर हाउस का लाइसेंस लेके वेयर हाउस के अंदर ही कर लो या पब्लिक वेयर हाउस में आप मशीनरी लेबर लेके जाओ वेयर हाउस के अंदर ही कर सकते हो तो अगर आप वेयर हाउस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर सकते हो तो बेनिफिट्स क्या हो गए उसके उसके बेनिफिट्स यहां पे ये यह हो गए कि अब अब स्टेप बाय स्टेप समझना अब मैंने वेयर हाउस के अंदर ही परमिशन लेके सेक्शन सिक्सटी फाइव में ओके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर रहा हो तो सबसे पहला बेनिफिट जो सेक्शन 61 में हमने आप देखा था कि अगर 65 के तहत आप मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशन में कर रहे हो तो आपको एक साल का लिमिट मेंबल नहीं होता है आपको एक साल का लिमिट अपलीकेबल नहीं होता है तो मेरा जो वेयर हाउस गुड्स है ध्यान सुनिएगा मेरा अब यहां पर दो वर्ड आएगा एक वेयर हाउस गुड्स और एक रिजल्ट प्रोडक्ट तो वेयर हाउस गुड्स है फैब्रिक्स ये मेरा वेयर हाउस गुड्स है लिखना होगा तो लिख देना ये मेरा वेयर हाउस गुड्स है और ये मेरा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है रिजल्टेंट प्रोडक्ट है ओके okay, ये मेरा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है और ये मेरा वेर हाउस गुड्स है तो मैं वेयर हाउस गुड्स जो मैंने रखा एज ए फैब्रिक्स तो ये मैं ऑपरेशन कर सकता हूं और अब ये मुझे बाद में एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट क्या कहती है समझ लो आपने 2000 मीटर का फैब्रिक्स लाया 2000 मीटर लिख दो यहां पे। 2000 मीटर का आपने फैब्रिक्स लाया ठीक है अब ये जो 2000 मीटर का फैब्रिक्स लाया इसमें से शर्ट बनाए और 200 मीटर आपका वेस्ट निकला वेस्ट मतलब चिंदी वगैरह जो है तो ये वेस्ट निकला 200 मीटर का चिंदी कट पीसेस वगैरह जो भी है और 1800 मीटर आपका शर्ट में यूज हुआ 1800 मीटर शर्ट में यूज हुआ इफेक्टिवली आपका वेयर हाउस गुड्स तो गवर्नमेंट कहती है ध्यान सुनिए अगर रिजल्ट प्रोडक्ट अगर रिजल्टन प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो डायरेक्ट से, तो जो वेयरहाउस गुड्स आपका इंपोर्टेड गुड्स था जिसके ऊपर आपने ड्यूटी नहीं दी थी वेयरहाउस गुड्स पे जो वेयर हाउस गुड्स इस रिजल्ट प्रोडक्ट में यूज किए गए उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है अठारह मीटर ऑफ फैब्रिक्स जो आपके एक्सपोर्ट में यूज हुए हैं एक्सपोर्ट में यूज हुए उस पर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है 1800 मीटर पे चलो अच्छी बात है यानी आपको शर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी ड्यूटी नहीं और उसमें जो इनपुट यूज किए गए उस पर भी ड्यूटी नहीं उस पर भी ड्यूटी नहीं तो इससे फायदा क्या हुआ फायदा यह हुआ कि अगर मैं क्लियर करवाता ड्यूटी देता बाद में ड्रॉबैक क्लेम करता तो वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो जाता और पूरा पैसा भी नहीं आता यहां पे मेरा पैसा ही ब्लॉक नहीं हुआ मुझे ड्यूटी फ्री अलाउड है ओके ये अठारह मीटर पे जो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो इसके ऊपर कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है चलो अच्छी बात है ओके okay, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहां पे सेक्शन 65 है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अलाउ कर दिया दूसरा व्हाट अबाउट वेस्ट 200 मीटर ऑफ फैब्रिक्स 200 मीटर आपका वेस्ट में है इसका क्या ये तो आपने एक्सपोर्ट नहीं किया ये तो चिंदी यहां पे पड़ी रही तो अब सेक्शन 65 फाइव टू ये कहता है कि अगर ये वेस्ट या रिफ्यूजल जो भी आपका प्रोसेस से निकला है ये आप डिस्ट्रॉय कर देते हो ऑफिसर के सामने जला देते हो डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ये 200 सौ मीटर जो फैब्रिक्स इसमें है जिसके ऊपर ड्यूटी लगी थी क्योंकि आपने इंपोर्ट किया था तो ये 200 मीटर का जो फैब्रिक्स इसके अंदर है वो ड्यूटी व्यो कर दिया जाएगा रेमिट कर दिया जाएगा एक बार फिर से जो वेयर हाउस गुड्स आपने इंपोर्ट किया था ड्यूटी लेवी हो चुकी थी उसमें का अगर वो वेयर हाउस गुड्स कंटेंट इन वेस्ट और रिफ्यूजल तो उसके ऊपर अगर वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी ठीक है क्लियर सर अगर मैं वो चिंदी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहूंगा ओके तो यहां इंडिया में क्लियर करना चाहूंगा अब वेस्ट तो मैं इंडिया में क्लियर करना चाहता हूं अगर ये वेस्ट में इंडिया में क्लियर करना चाहता हूँ इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूं तो वो केस में गवर्नमेंट कहती है जला नहीं रहे हो नहीं मैं जला नहीं रह रहा हूं मुझे क्लियर करना है तो वो केस में गवर्नमेंट कहती है फिर ये वेस्ट पे ड्यूटी देना पड़ेगा पर एज अ वेस्ट देना पड़ेगा एज अ फैब्रिक्स नहीं एज अ फैब्रिक्स नहीं ओके एज अ वेस्ट यानी अगर उस वेस्ट पे पांच परसेंट का रेट चालू है तो पांच परसेंट का ड्यूटी देना पड़ेगा ओके okay, तो आपको दो ऑप्शन है एग्जाम्पल फिर से अगर resultant product आप export कर देते हो पहली बात तो condition, resultant product export होना चाहिए। तो उसमें जितना फैब्रिक्स यूज किया उस पर ड्यूटी जो वेस्ट और रिफ्यूज में आया है वेयर हाउस गुड्स उसका क्या डिस्ट्रॉय करो तो रिमिशन डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो वो सिचुएशन में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी पर ड्यूटी एज अ फैब्रिक्स नहीं देनी पड़ेगी ड्यूटी एज अ वेस्ट देनी पड़ेगी अबकि ये समझ थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट था लेकिन समझ में आया होगा तो प्लीज यस बोलिएगा समझ में आया होगा तो प्लीज यस बोलिएगा ठीक है अब सेकंड केस केस ये तो हमने देखा एक्सपोर्ट किया था अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो या कोई भी रीजन वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे आप आप ये ये जो प्रोडक्ट है फॉर होम कंजन कर रहे हो आप क्लियर फॉर होम कंजम्शन कर रहे हो यानी इंडिया में क्लियर कर रहे हो जिसका एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रहा है तो फिर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनना मतलब ये जो 1800 मीटर ऑफ फैब्रिक्स इसमें यूज किया गया 1800 मीटर ऑफ फैब्रिक्स इसमें यूज किया गया किसमें शर्ट्स okay, में इसके ऊपर पूरा ड्यूटी एज अ फैब्रिक्स आएगा एज अ शर्ट नहीं एज अ शर्ट नहीं एज अ फैब्रिक्स आएगा मतलब क्यों क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स तो फैब्रिक्स है ना तो उसके मतलब निकलेगा शर्ट वेर हाउस से ओके निकलेगा शर्ट वेर हाउस से लेकिन ड्यूटी

सारा असेसमेंट फैब्रिक्स का होगा 1800 मीटर का रेट भी फैब्रिक्स का होगा पर निकलेगा शर्ट तो चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना तो दिल में जो फैब्रिक्स है वो ही उसका ही होगा, शर्ट का नहीं सर शर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं नहीं कोई शर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं ओके तो एक बार फिर से एक्सपोर्ट होता है तो सब बेनिफिट्स अगर क्लीयरेंस होता है फॉर होम कंजम्पशन <laughs> क्लीयरेंस होता है फॉर होम कंजम्पशन तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा और ड्यूटी जो है एज अ फैब्रिक्स देनी पड़ेगी तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है डायग्राम में लिख दो रिजल्टेंट प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो नो ड्यूटी पेबल ऑन फैब्रिक्स ऑन फैब्रिक्स यूज इन ऑन फैब्रिक्स यूज इन शर्ट तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लेकिन अगर ये क्लियर फॉर होम कंजम्पन होता है तो ड्यूटी is payable payable duty is payable on duties payable on <coughs> fabrics use fabrics contain इन शर्ट सो यहां पर असेसमेंट जो होगा असेसमेंट एज अ फेब्रिक्स होगा एंड नॉट एज अर्ट एंड नॉट एज ए शर्ट असेसमेंट जो होगा एज ए फेब्रिक्स होगा एज ए शर्ट नहीं होगा असेसमेंट <coughs> जो होगा एज अ फेब्रिक्स होगा नॉट एज अ शर्ट एज ए शर्ट होगा डन अब सवाल आता है ये वेस्ट और रिफ्यूजल का तो मैंने एक्सपोर्ट किया तो क्या होगा वो तो मैंने बता दिया सर अगर रिजल्टेंट प्रोडक्ट मतलब कैसा है रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या उसके बेस पे वेस्ट uh, का ट्रीटमेंट रहेगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्लीयरेंस फॉर होम कंजम्पशन होता है सुनिए ध्यान से रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्लीयरेंस फॉर होम कंजम्पशन होता है तो ऐसे केस में यह वेस्ट पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर अगर मैं जला दू जला दू तो भी कोई बेनिफिट नहीं उस वेस्ट में जितना फैब्रिक्स यूज का ये हो जितना फैब्रिक्स यूज हुआ था कितना हुआ था 200 हंड्रेड मीटर तो 200 हंड्रेड मीटर का पूरा ड्यूटी रेट है एट द रेट फैब्रिक्स टेन परसेंट और वेस्ट पे रेट है एट द रेट फाइव परसेंट तो आपको एज अ फैब्रिक्स देना पड़ेगा टेन परसेंट तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा समझ में आया तो जोर से बोलिए यस सर समझ में आया है समझ में आया होगा तो जोर से बोलिए यस सर समझ में आया है ठीक है कोई डाउट्स हो गए तो पूछ सकते हो आप तो चलिए मैं सेक्शन 65 रीड कर लेता हूं सेक्शन 65 फाइव पे आ जाओ सेक्शन 65 कहता है विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर

देर इज एनी वेस्ट और रिफ्यूज इसको बोल्ड करो वेस्ट और रिफ्यूज निकलता है तो यहां पे गवर्नमेंट ये वेस्ट और रिफ्यूज को छोड़ नहीं रही है चिंदी निकलती है तो चिंदी मतलब इस पर चिंदी पे भी ड्यूटी आ जाएगा द फॉलोइंग प्रोविजन शाल अप्लाई ए एंड बी हम इसका चार्ट बनाएंगे ओके okay, पहले समझ लेते हैं इफ वोल और एनी पार्ट वोल और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशन आर एक्सपोर्टेड रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया गया वो एक्सपोर्ट किया गया इंपोर्ट ड्यूटी शाल बी रिमिटेड ऑन क्वांटिटी ऑफ वेयर गुड्स कंटेन्ड इन सच वेस्ट और रिफ्यूज कितनी क्वांटिटी थी 200 मीटर तो 200 मीटर ऑफ फैब्रिक्स का ड्यूटी छोड़ दिया जाएगा 200 मीटर ऑफ फैब्रिक्स का ड्यूटी छोड़ दिया जाएगा जो वेस्ट और रिफ्यूज में है हैज अराइजन फ्रॉम द ऑपरेशन कैरिड आउट इन रिलेशन टू द गुड्स एक्सपोर्टेड वेस्ट और रिफ्यूज आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर आप इंडिया में क्लियर करना चाहते हो तो एज अ फेब्रिक्स टेन परसेंट तो छोड़ देंगे लेकिन एज अ वेस्ट और रिफ्यूज पांच परसेंट का ड्यूटी आपको देना पड़ेगा अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो ये कब जब आपने रिजल्टेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया बी

और नीचे का स्पेस पूरा यूज कर लेना लिखो ड्यूटी लाइबिलिटी ऑन वेयर ऑज गुड्स वेयर ऑज गुड्स कंटेन्ड इन वेस्ट और रिफ्यूजल कंटेन इन वेस्ट और रिफ्यूजल ठीक है ड्यूटी लिव ऑन वेर हाउस गुड्स कंटेन इन वेस्ट और रिफ्यूजल तीन पार्ट करना बेटा पहला लिखो इफ रिजल्टन प्रोडक्ट ब्रैकेज मे शर्ट वोली एक्सपोर्टेड सेकेंड इफ रिजल्टन प्रोडक्ट ब्रैकेट मे शर्ट is partly exported exported and if resultant product is wholly resultant product is wholly

back at my fabrics fabrics shall be remitted shall be remitted if a such waste or refusal destroy Or duty is payable as a waste or refusal in case of clearance, in case of clearance. अगर आपको क्लियर करना है तो पांच परसेंट का ड्यूटी लगेगा नहीं तो आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा यह तो हुआ अगर आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट वोली एक्सपोर्ट कर देते हो अगर रिजल्टेंट प्रोडक्ट पार्टली एक्सपोर्ट हो करते हो तो पार्टली एक्सपोर्टेड एक मिनट ड्यूटी

एक्सपोर्ट में हैं एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट मतलब वो रेशियो में डिवाइड होगा समझ so, लो आपने रिजल्ट प्रोडक्ट ध्यान से सुनेगा पचास परसेंट एक्सपोर्ट किया पचास परसेंट क्लियर किया तो वेस्ट भी पचास पचास में डिवाइड हो जाएगा और जितना एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट है जितना एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट है पचास परसेंट उतने पचास परसेंट वेस्ट का क्या होगा तो ड्यूटी ऑन वेर हाउस गुड्स एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट तो ट्रीटमेंट यही होगी ट्रीटमेंट यही होगी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है डिस्ट्रॉय करो या ड्यूटी पे करो और सेकंड ड्यूटी ऑन वेयर हाउस गुड्स डब्ल्यू जी मतलब वेयरहाउस हाउस गुड्स एट्रीब्यूटेबल वेयर हाउस गुड्स इन वेस्ट और रिफ्यूजल

Benefit is available, is available. Duty is payable on warehouse goods, warehouse goods at normal rate. नॉर्मल रेट मतलब जो भी फैब्रिक्स को रेट होगा वो रेट से ना पड़ेगा तो यहां तो देना ही पड़ेगा और ये भी वेस्ट पे भी देना पड़ेगा यानी आपको दो टोटल दो हजार पे देना पड़ेगा अठारह सौ तो शर्ट में थे दो सौ वेस्ट में थे तो ये जो दो सौ वेस्ट में थे ये सॉरी जितना भी प्रोपोर्शन वेस्ट में था उतना प्रोपोर्शन तो आपको देना ही पड़ेगा यहां लिख दो दैट इज एट द रेट ऑफ फैब्रिक्स एट द रेट ऑफ फैब्रिक्स एट द रेट ऑफ फैब्रिक्स तो जितना वोल्ली एक्सपोर्ट क्यों ना सॉरी वोली क्लियर किया होगा तो वो वेस्ट और रिफ्यूजल पे एट द रेट ऑफ फैब्रिक्स आपको देना पड़ेगा ठीक है और पार्टली होगा तो जो प्रोपोर्शनेट होम कंज़म्पशन क्या आता है वो एट दैट रेट देना पड़ेगा चलो तो ये चार्ट ड्रॉ कर लिया आपने ये सर नो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका चलो नेक्स्ट सेक्शन 66 वगैरह कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रायोरिटी सी में डाल दो वो रेट के कंसेशन से नॉट सो इम्पोर्टेंट ओके प्रायोरिटी सी में डाल दो चलो 67 पे आ जाओ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनादर वेयर हाउस क्या हम गुड्स शिप कर सकते हैं एक वेयर हाउस से वेर हाउस दूसरे वेर हाउस में बिल्कुल कर सकते हैं पर टोटल वेयर हाउसिंग पीरियड आपको एक साल ही मिलेगा

तो इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा जाता है जैसे पहले मैंने बॉम्बे में रखा और बॉम्बे से अब शिफ्ट करना है तो मैं कर सकता हूं टोटल वेयर हाउसिंग पीरियड एक साल ही मिलेगा पर वहां ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाएगा चलिए नेक्स्ट सेक्शन 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन ये जो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ये एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सेक्शन यहां पर 68 में फाइल होती है जब आपको वेयर से क्लियर करना पड़ता है तो अगर आपको वेयर से होम कंजम्पशन के लिए करना है तो आपको तीन स्टेप पूरी करनी पड़ती है और ये तीन स्टेप पूरी करने के बाद ही आप होम कंजम्पशन के लिए कर, क्लियर कर सकते हो सबसे पहले तो आपको बिल ऑफ आप एंट्री फॉर होम कंजम्पशन देना पड़ता है उसको हम कहते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ एंट्री उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एंट्री आपको वो देना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैज प्रेजेंटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म पहले तो आपको गुड्सार्मेत बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी सेकंड आपको इम्पोर्ट ड्यूटी इंटरेस्ट फाइन और पेनल्टी पेबल यानी गुड्स आपका वेयर हाउस में था इसलिए एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस आपको जो भी रेट हो गए वो रेट से इम्पोर्ट ड्यूटी दूसरा इंटरेस्ट आपका अगर 90 दिन से ज्यादा रखा होगा प्लस कोई फाइन पेनल्टी लगी होगी तो वो भी आपको देना पड़ेगा अगर ये देने के बाद ये देने के बाद यहां डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी नहीं मिलती है यह आपको एक्स बॉन्ड के टाइम ही देना पड़ता है तो पहली दो शर्तें पूरी होने के बाद ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर होम कंजन बाय प्रॉपर ऑफिसर मतलब सेक्शन 68 में ही आपको ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी पेमेंट कर देना पड़ेगा और उसमें आपको ऑर्डर मिल जाएगी प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर रेफर्ड इन क्लॉज सी మే ఆల్సో బి ఎలక్ట్రానిక్లీ త్రూ కస్టమ్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టం ఆప్కో యహ పే యే ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ ఆయేగి ఔర్ ఆప్కే లాగిన్ మే ఆ జాయేగి జైసే జీఎస్టీ మే జీస్టీన్ పోర్టల్ హోతా హై తో యహ పే కస్టమ్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టం హోతా హై ఓకే తో ఉస్ పే ఆర్డర్ మిల్ జాయేగి ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ ఓనర్ ఆఫ్ ఎనీ వేరోస్ গুডস మే ఎట్ ఎనీ టైం బిఫోర్ ఎన్ ఆర్డర్ ఫర్ క్లెన్స్ ఆఫ్ গুডস ఫర్ హోమ్ కన్జంప్షన్ హస్ బీన్ మేడ్ ఇన్ రిస్పెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ গুডস రిలింక్విష్ హిస్ టైటిల్

ऑर्डर ऑफ होम कंजम्पन और ऑर्डर ऑफ वेर हाउसिंग की ऑर्डर मिलने के पहले पहलेक्शमेंट कस्टम्स एरिया में रिलिंक्विशमेंट करना है तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री में रिलिंक्विशमेंट होता है ओके okay, तो यहां पे सेक्शन ट्वेंटी ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जहां तक देखा जाए आ, तो यहां सेक्शन 23 में अगर रिलिंक्विशमेंट करना है आपको छोड़ देना है गुड्स के राइट right से छोड़ना है जब मुझे नहीं क्लियर करवाना है तो ऑर्डर के पहले लेकिन अगर गुड्स वेयरहाउस में आ गया तो वेयरहाउस में अगर आपको रिलिंक्विशमेंट करना है तो फिर आप सेक्शन 68 में अप्लाई कर सकते हो अगर कोई पेनल्टी लगी होगी तो वो पे करने के बाद आपको रिलंक्वेशन मिल जाएगा

उस import import bond bond गुड्स में रखा, आपने कहा कि हम duty देंगे, okay, और तब तक वेर हाउस में और वेराउस से तो जो ओरिजिनल इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी वो आपको नहीं लगेगी पर आपको तीन बातें पूरी करनी पड़ेगी ए बी और सी आपको यह बेनिफिट लेना है तो आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट फाइल करना पड़ेगा यानी जब आपका गुड्स वेयर हाउस में है तब आप एक्सबॉन्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल ना करते हुए शिपिंग बिल दे दो कि भाई मैं क्लियर नहीं करवा रहा हूं एक्सपोर्ट करवा रहा हूं ओके अगर आप एक्सपोर्ट करते हो डायरेक्ट शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करके तो वो सिचुएशन में आपको जो है यह यहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी फाइन पेनोल्टी अगर होगी तो वो देना पड़ेगा अगर आपके गुड्स पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी फाइन होगी पेनल्टी होगी तो वो देना पड़ेगा तो आपको ऑर्डर ऑफ फॉर एक्सपोर्ट मिल जाएगा प्रोवाइडेड ये ऑर्डर आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी आ जाएगी ओके okay, तो एक सिंपल सवाल है क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट वेयर हाउस गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी यस हाँ आपको इंपोर्ट ड्यूटी से बेनिफिट मिलेगा उसके ऊपर अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी कोई फाइन पेनल्टी लगी होगी तो वो देना पड़ेगा

इंडिया में लैंड करवाते हैं वेराउस करते हैं और फिर नेपाल भूटान एक्सपोर्ट कर देते हैं नेपाल भूटान एक्सपोर्ट कर देते हैं और आ, क्या होता है गवर्नमेंट को कहते देखो हमने वेराउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया नेपाल भूटान म्यांमार वगैरह ओके okay, तो वेराउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है और वापस नेपाल से स्मगल कर लेते हैं भूटान से स्मगल बैक कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को डर है ऐसा कि ये सिर्फ फायदा लिया जा रहा है कि वेयरहाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट बता के ड्यूटी यहां पे बचाई जा रही है और वापस इसको इंडिया में स्मगल कर लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट को अगर डर है कि इंडिया में स्मगल हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट नहीं देगी मतलब आपको ड्यूटी देना पड़ेगा इवन दो आप नेपाल भूटान को एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर कुछ कंडीशन या शर्तें आपके ऊपर लगाएगी कुछ कंडीशन और शर्तें आपके ऊपर लगाएगी ये था सेक्शन सिक्सटी नाइन ठीक है चलो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन 70 अलाउंसेस इन केस ऑफ वोलेटाइल गुड्स इंपॉर्टेंट आ सकता है ठीक है तो कुछ ऐसे गुड्स है जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं जैसे नीचे एग्जाम्पल मैंने दी है एविएशन फ्यूल मोटर स्पिरिट मिनरल टर्पेंटाइन वाइन लिक्विड हेलियम क्रूड स्टोर एक्सेट्रा लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है वोलेटाइल गुड्स होते हैं जब ये वेरोस में होते हैं तब तो इवेपोरेशन हो जाता है जैसे आपने कोई केरोसिन लाया मोटर स्पिरिट लाया एक हजार लीटर लाया होगा और वेयर हाउस में रखा गया है अब वो जब वेयर हाउस से क्लियर हो रहा है तो 950 फिफ्टी लीटर सी है अब देखो एक हजार लीटर लाया और वेयर हाउस में इवेपरेट हो गया वोलेटाइल नेचर का था नेचुरल लॉस हुआ नेचुरल लॉस हुआ।, हुआ और क्लियर करते वक्त नाइन फिफ्टी लीटर ही आया तो आपको ड्यूटी कितने पे देनी पड़ेगी क्योंकि जब आपने इंपोर्ट किया था तो एक हजार लीटर था लेकिन जब क्लियर करवा रहे हो वेयर हाउस से तब नाइन फिफ्टी है तो ये सेक्शन कहता है नाइन फिफ्टी पे ही दो एक हजार रुपए देने की जरूरत नहीं पचास लीटर जो आपका इवेपरेट नेचुरल लॉस हुआ है उस पर ड्यूटी रिमिट कर दी जाएगी बाय कस्टम ऑफिसर तो देखो वेयर एनी वेर हॉस गुड्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज ये सबको अपलीकेबल नहीं है ये नीचे नोटिफाई किए गुड्स को ही अपलीकेबल है टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर एट दिलीवरी फ्रॉम वेर हॉस फॉन्ड डेफिशन इन क्वांटिटी क्वांटिटी में कमी मिली और क्यों नेचुरल लॉस हुआ यह वर्ड बड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी में कमी मिली और नेचुरल लॉस हुआ द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम में रेमिट द ड्यूटी ऑन सच डेफिशिय अब देखो ऑफिसर याद नहीं आया तो प्रॉपर ऑफिसर लिख देना प्रॉपर ऑफिसर रेमिट द ड्यूटी और इंपॉर्टेंट क्या है तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिशियन इन क्वांटिटी है दूसरा नेचुरल लॉस है तो ऑफिसर ड्यूटी रेमिट कर देगा वो पचास लीटर का लेकिन ये सबको लागू नहीं होगा दिस सेक्शन अप्लाइज टू सच वेयर ऑज गुड्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट Will notify, ये goods को ही लागू किया जाएगा सबको लागू नहीं होगा और नीचे नोटिफाइड गुड्स एक बार रीड कर लेना पॉइंट सेक्शन सेवनटी अप्लीकेबल टू नोटिफाइड सेकेंड गुड्स फाउंड इन डेफिशियंट क्वानिटी थर्ड बिकॉज ऑफ नैचुरल लॉसिसर विल रिमिट द ड्यूटी चार पॉइंट इसके एक है तो इस वोलेटेल गुड्स को बेनिफिट दिया गया है नीचे एक केस स्टडी दिया है आपने पढ़ लेना ओके okay, तो यह आप इजिली पढ़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं सेक्शन सेवेंटी वन आउट ऑफ दिक्सटी गुड्स नहीं जाएगा जब तक हमने परमिशन ना दियो हमने परमिशन दी है आप दूसरे वेयरहाउस को ले जा सकते ठीक है सिक्सटी एट में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ड्यूटी पेमेंट के बाद आप क्लियर ऑर्डर रिमूव कर सकते हो 69 में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ठीक है ये तीन केस में हमने रिमोल अलाउ किया है जिसमें सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके इसके अलावा, अलावा, या हम जब परमिट अगर आप गुड्स लेके गए तो छोड़ेंगे नहीं आपको ना वेयर हाउस कीपर को छोड़ेगे ना ओनर को छोड़ेगे नो वेयर हाउस गुड शैल बी टेकन आउट ऑफ हाउस एक्सेप्ट ऑन क्लियस फॉर होम कंजम्पशन मतलब सिक्सटी एट एक्सपोर्ट सेक्शन 69, नाइन टू अनादर वेर सेक्शन 67 और अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट जब हमने अगर किसी सेक्शन में परमिशन दी होगी तो ठीक है इसके अलावा खबरदार अगर गुड्स आपके वेरहाउस से बाहर निकला तो फिर छोड़ेंगे नहीं ठीक है चल अगर सर हमने गुड्स को गायब कर दिया तो विदाउट ड्यूटी गुड्स के गुड्स गायब कर दिए तो बोला ना हमने सेक्शन 71 में कि तीन केसेस में अलाउड है इसके अलावा अगर लेके गया तो फिर 72 प्रायोरिटी ए प्लस 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 ये ना चाहे कुछ भी हो जाए ये सेक्शन पढ़ के जाना बॉस सेक्शन 61 पीरियड और सेक्शन 72 ये ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके वेयरहाउस गुड्स गायब हुए विदाउट ड्यूटी तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो देखिए वो दे क्या कहते हैं इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस दैट इज टू से ए बी और सी

बिना परमिशन के सेकंड आपका पीरियड साल खत्म हो गया और आपने एक्सटेंशन भी नहीं लिया पीरियड साल खत्म हुआ और और आपने एक्सटेंशन नहीं लिया, तीसरा, विच बॉन्ड बीन एग्जीक्यूटेड अंडर एंड नॉट बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट एंड नॉट ड्यूली अकाउंटेड फॉर तीसरा है कि ऐसा गुड्स जो आपने वेरहॉस करवाया और उसकी अकाउंटिंग ही सही नहीं की अब वो गुड्स होम कंजम्शन के लिए भी क्लियर नहीं हुआ एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ है पर गायब है पर गायब है अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो तीन केसेस लर्न करना पड़ेगा एक तो सेक्शन सेवेंटी वन का आपका वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म हो गया या प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई तो क्या हो सकता है क्या हो सकता है देखो प्रॉपर ऑफिसर मे डिमांड एंड ओनर ऑफ सच गुड्स फॉरविथ पे द तो फुल अमाउंट ऑफ तो ड्यूटी मतलब ऑफिसर आपको इमिजिएट बोलेगा कि ड्यूटी दो ड्यूटी दो और आपको फॉरविद ड्यूटी देनी पड़ेगी जितना भी गुड्स रिमूव हुआ या वेरोजिंग पीरियड खत्म हुआ या प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई ओके okay, आपको अभी की अभी ड्यूटी देना पड़ेगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ओके okay, तो ऑफिसर आपको बोलेगा ड्यूटी दो ओके ऑन अकाउंट ऑफ सच गुड्स टूगेदर विथ इंटरेस्ट फाइन एंड पेनल्टी जो भी फाइन पेनोल्टी वो लगाएगा इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा सबसेक्शन टू इफ एनी ओनर फेल्स टू पे अमाउंट डिमांडेड अंडर सबसेक्शन वन proper officer without prejudice to any other remedy cause to detain and sold after notice to owner sufficient portion of these goods to recover the amount agar aapne officer ne upar aapko duty mangi interest manga fine manga penalty manga for with aur aapne nahi diya to penalty interest fine और duty कवर करने के लिए जितना goods warehouse हाउस से वो चाहिए वो निकाल लेगा और ऑक्शन में सेल कर देगा वो ऑक्शन में सेल कर देगा क्लियर okay, उसके बाद में बहुत अच्छा केस है केसुराम रेन ये अच्छा केस है मैं समझाना चाहूंगा और इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम भी लेना चाहूंगा आ सकता है प्रॉब्लम बहुत अच्छा केस है देखो मैं सेक्शन 60 और सेक्शन 15, सेक्शन 15, इतने सारे सेक्शन सेक्शन 60 में आपको मिला वेयर ऑर्डर वेयर ऑर्डर आपने सेक्शन 59 में बॉन्ड दे दिया गुड्स आ गया वेराउस में ठीक है वेराउस में आने के बाद वो कहते हैं आप इसको एक साल या एक्सटेंडेड पीरियड सेक्शन 61 कहता है वन ईयर आप रख सकते हो लेट्स टेक एग्जांपल ऑर्डर जो मिला मतलब कहाँ से वन ईयर तो ऑर्डर से ऑर्डर मिला तो मजा आएगा ठीक है <laughs> तो टेंथ ऑफ अप्रैल 23 को आपको ऑर्डर मिला डन तो आपका वेरहाउसिंग पीरियड कब खत्म हो जाएगा तो आपका वेरहा पीरियड खत्म हो जाएगा नाइन्थ अप्रिल ट्वेंटी फोर को आपका वेर हाउसिंग पीरियड खत्म हो जाएगा ठीक है आइदर आप एक्सटेंशन लो तो वेर हाउसिंग पीरियड खत्म हो गया अब हुआ यू बेटा कि जब इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दिया था तब रेट था टेन परसेंट जब वेरहा पीरियड खत्म हुआ उस दिन ड्यूटी रेट था फिफ्टीन परसेंट उस दिन ड्यूटी रेट था 15 परसेंट बंदे ने क्लियर नहीं किया और ये गुड्स वेराउज में ही था चलो ऑक्शन में नहीं गया ये अच्छी बात है नहीं तो सेवेंटी में ऑप्शन हो जाता आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा आपको येस और नो प्लीज रिप्लाई आवाज़ क्लियर आ रही है चलिए तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो यहां पे इंपोर्टर ने क्या कहा कि भाई ठीक है मुझे क्लियर करवाने दो ऑफिसर ने कहा ठीक है मैं क्लियर करवा देता हूं इंपोर्टर सामने बैठा है तो इंपोर्टर कह रहा है कि सर मेरे को अभी क्लियर करवा दें तो ऑफिसर ने कहा ठीक है क्लियर करवा ले इंपोर्टर ने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर ने समझ लो फाइल किया बिल ऑफ एंट्री ये बिल ऑफ एंट्री फाइल की ऑफिसर ने कहा कि ये क्या है यार ओके ये तो तू नील रेट बता रहा है इंपोर्टर ने कहा सर सेक्शन 15 के हिसाब से जिस दिन ऑफ एंट्री फाइल होगी ऑफ एंट्री फाइल होगी उस दिन का रेट लिया जाएगा तो सर आज का रेट नील है नील है तो मजा आ गया इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा सर ओके क्योंकि इंटरेस्ट भी उतनी अमाउंट पे लगता है जितना यहाँ पे अमाउंट पेबल है सर सर नील ऑफिसर ने कहा अरे सर लेकिन ओके तुम तो लेट हुए ना मैं तो तुम्हें परमिशन दे रहा हूं लेट होने के बाद हां सर लेट हुए आप परमिशन दे रहे हो मुझे ओके लेकिन ओके जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से उस दिन का रेट लिया जाएगा उस दिन का रेट लिया जाएगा और आज का रेट नील इंटरेस्ट नील ड्यूटी नील मजा आ गया ऑफिसर ने कहा नहीं ऑफिसर ने कहा कि मैं रेट उस दिन का लूंगा जिस दिन तेरा वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म हो गया था तेरा उसिंग पीरियड नाइन फोर ट्वेंटी नौ अप्रैल को खत्म हो गया था उस दिन रेट पंद्रह परसेंट था तो मैं ड्यूटी पंद्रह परसेंट से लूंगा मैं ड्यूटी पंद्रह परसेंट से लूंगा और इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगाऊंगा तो इंपोर्टर ने कहा यह तो गलत है ना सर सेक्शन फिफ्टीन क्या कहता है सेक्शन फिफ्टीन ये कहता है कि भाई जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उस दिन का रेट लो तो यहां पर ऑफिसर ने कहा नहीं नहीं सेक्शन 72 ये कहता है कि अगर आपने विद इन टाइम विद इन टाइम रिमो नहीं किया विदाउट एक्सटेंशन विद इन टाइम रिमो नहीं किया तो यह माना जाता है कि गुड्स डिम टू हैव माना जाता है कि गुड्स डिम टू हैव तो ऑफिसर तो का कहना था कि मैं सेक्शन सेवनटी टू अप्लाई करूंगा ऑफिसर का कहना था ओके मैं 72 अप्लाई करूंगा और 72 के हिसाब से यह रेट लूंगा ओके इंपोर्टर का कहना था कि नहीं सेक्शन 15 अप्लाई करो और यह रेट लो ओके okay, आप क्या रेट कहना चाहोगे आप क्या रेट कहना चाहोगे तो दोस्तों या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं okay, ओके ऑफिसर सही है सेक्शन 72 के हिसाब से अगर विद इन टाइम आपने रिमो नहीं किया तो वो डीम टू बी रिमो माना जाएगा और डीम टू बी रिमो माना जाएगा तो 15 परसेंट का रेट लगेगा हम मानते हैं कि सेक्शन 15 जो है 15 के रेट 15 के हिसाब से एक्सबाउ बिल ऑफ एंट्री के रेट लेने चाहिए पर बिल ऑफ एंट्री के रेट कब लेने चाहिए अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री पहले होती लेकिन अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री पहले नहीं होगी तो 72 के दिन यह डीम टू बी रिमूव माना जाएगा और आपके अप्लीकेबल रेट 15 परसेंट हो गए समझा होगा तो जोर से बोलो यस बहुत अच्छा केस है बहुत अच्छा केस है तो देखिए यह क्या कहते हैं अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 72 टू नॉट रिमोव फ्रॉम वेयर हाउस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड परमिटेड फॉर वेयर हाउसिंग टू बी इम्प्रॉपरली रिमोडरली रिमोव द रेट ऑफ ड्यूटी अपलिकेबल विल बी द रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ डीम रिमोल किस दिन का रेट लगेगा जिस दिन आपका वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म हो जाएगा समझा होगा तो जरूर ये कहिएगा जिस दिन वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म हो जाएगा दैट इज द डेट ऑन विच On which the permitted period or its permitted extension comes to an end when demand notice is issued is not relevant for determining the rate of duty. Section 151B applies, section 151b applies in a case where bill of entry is presented before removal from warehouse under section 68 of payment duty interest, etc. So 151b has no application where goods are removed from warehouse beyond the permitted period of warehousing. सेक्शन 15 तब लागू नहीं होगा अगर आपका पीरियड खत्म हो गया होगा हाँ अगर पीरियड के पहले आप फाइल कर देते दे तो होती लेकिन आपका वेराउजिंग पीरियड खत्म हो गया आपने एक्सटेंशन भी नहीं लिया तो उस दिन ही डीम टू भी रिमूव माना जाएगा बहुत अच्छी केस सुप्रीम कोर्ट की केसुराम रियान ओके के इस केस स्टडी बहुत बार पूछी गई है बेटा चलो तो हमने ये देखा एक एग्जाम्पल भी है एग्जाम्पल अगर मिस्टर पी इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स इन मार्च 2009 थाउजेंड नाइन इन टू बिल ऑफ ऑन बिल ऑफ यानी पहली बिल ऑफ एंट्री फोर्टीन मार्च को दी गुड्स वेर क्लियर फ्रॉम पोर्ट फ्रॉम वेर हाउस असेसेबल वैल्यू डॉलर टेन लैक्स थी डायरेक्ट द ऑर्डर इन फॉर थ्री मंथ

Okay, 20 जून को जिस दिन पीरियड खत्म हुआ एक्शन रेट और ड्यूटी रेट दिया है और जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की तब का ड्यूटी रेट और एक्शन रेट अगर आपको याद होगा तो एक्शन रेट के केस में इंटू बॉन्ड का होता है एक्शन रेट के केस में फिक्स है जिस दिन आप सेक्शन 46 सिक्स की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो एक्शन रेट 48.20 अब ड्यूटी रेट कौन सा लेना तो ड्यूटी रेट ओके सेक्शन 72 सेवेंटी सेक्शन 15 ओके या सेक्शन 15 रीड विद सेक्शन 72 जिस दिन आपका वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म हो जाएगा यानी दस परसेंट रहेगा एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का नहीं दस परसेंट रहेगा तो इस तरह से आपकी ड्यूटी जो निकलेगी ओके okay, ये इतनी ड्यूटी कैसे निकलेगी बेटा तो डॉलर कितना है निकाल के देख लो डॉलर टेन लैक्स टेन लैक्स इंटू फोर्टी तो आपका ड्यूटी यहां पे इतना निकलेगा ठीक है एक्शन रेट आपके फोर्टी एट पॉइंट ट्वेंटी और ड्यूटी रेट टेन परसेंट लगेंगे ड्यूटी रेट टेन परसेंट लगेंगे तो यह okay, यहां पे कैंसलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ वेयर हाउसिंग बॉन्ड प्रायोरिटी में रखो अगर आप पूरी ड्यूटी दे देते हो एट द टाइम ऑफ क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस तो आपका बॉन्ड आपको वापस कर दिया जाएगा अगर सारी ड्यूटी वगैरह आप दे देते हो तो आपका बॉन्ड आपको वापस कर दिया जाएगा और सेक्शन सेवनटी थ्री ए लाइबिलिटी ऑफ वेयर हाउस कीपर ये भी प्रायोरिटी सी में रखना आपने पढ़ लेना ओके जो भी वेयर हाउस कीपर को लाइसेंस दिए गए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक गुड्स को क्लियर ना करें एंड एक्सेट्रा तो ये सेवनटी थ्री ए भी आप रीड कर सकते हो यहाँ पे तो इस तरह से हमने ये चैप्टर एंड किया वेयरहाउसिंग ओके आई होप इस तरह से हमने ये चैप्टर एंड किया बेटा. कौन सा Done? I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन अब मैं दो मिनट में आपको रिवाइज कर लेता हूं मैंने चैप्टर के स्टार्ट में पूरी समरी दी है ये समरी अच्छे से पढ़ लेना और ये समरी में फटाफट रिवाइज कर लेता हूं ठीक है चलो देखो यहां पे फटाफट Uh, सबसे पहले तो आप सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग डालोगे बॉन्ड दोगे बॉन्ड थ्राइज द ड्यूटी सेक्शन 59 में दोगे ओके okay, और उसके बाद में आपको ऑर्डर मिलेगी सेक्शन 60 की और वो टू डिपॉजिट द गुड्स इन अ वेयर हाउस थोड़ा यहाँ पे आप एडिशनल स्टिकी नोट्स डाल के uh, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो वो कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि बॉन्ड बॉन्ड दो टाइप के होते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड और यहाँ सेकेंड जनरल बॉन्ड और बॉन्ड किस लिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है कुछ आप ऐड कर देना बॉन्ड आपको इसलिए एग्जीक्यूट करना पड़ता है ओके टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू पे ड्यूटी एंड इंटरेस्ट एंड टू पे पेनल्टी एंड फाइन उसके लिए आपको ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट जैसे आपका गुड्स डिपॉजिट हो गया वेयर हाउस में आ गया तो जैसे ही गुड्स वेयर हाउस में आ जाता है तो सेक्शन 63 और सेक्शन 64 जो है सॉरी, हाँ, सॉरी बेटम मेरे से एक मिस्टेक होगी सेक्शन 62 एंड 63 ये ओमिटेड है 64 फोर अप्लीकेबल है 64 फोर अप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट नंबर फाइव अप्लीकेबल नहीं है ये मेरे से मिस्टेक हो गई है ये गलती से स्क्रैच हो गया है ये आपने करेक्ट कर लेना सिर्फ पॉइंट नंबर सिक्स जो है वो डिलीट कर देना वो डिलीट हो गया सेक्शन सिक्सटी फोर में जब गुड्स ओ, 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 यहाँ पे ये यह अप्लीकेबल है बेटा जब गुड्स वेयर हाउस में हैं ओके वो केस में ऑफिसर के परमिशन से आप गुड्स जो है इंस्पेक्ट कर सकते हो डैमेज और डिटोरीटेड गुड्स को सेपरेट कर सकते हो ओके आप यहाँ पे गुड्स शॉर्ट कर सकते हो या कस्टमर को दिखा सकते हो फॉर सेल पॉइंट नंबर सिक्स लागू नहीं होगा वो डिलीट कर देना पहले ऐसा था कि आप सैंपल ले सकते हो पर अब वो सैंपल वाला पॉइंट नहीं है आप पॉइंट नंबर फाइव तक ही कि गुड्स आप सेल कर सकते हो तो बाय मिस्टेक ये हुआ आपने स्टिकी नोट्स रख के फिर से ये सेक्शन 64 ध्यान से पूरा कंप्लीट लिख देना उसके बाद में 65 में आप मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशंस कर सकते हो यहाँ आपने एक पॉइंट कर लेना है जो हमने वेस्ट और रिफ्यूजल वाला चार्ट है वो वेस्ट और रिफ्यूजल वाला चार्ट जो है यहाँ अटैच कर देना तो ये आपको थोड़ा और इजी होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप कर सकते हो साथ साथ में वेस्ट और रिफ्यूजल के लिए भी आपका यहाँ पे सब पॉइंट्स कर हो जाएगा उसके बाद में आपको वेरहाउस से अगर क्लियर करना है तो तीन पर्पज के लिए आप क्लियर कर सकते हो सॉरी सेक्शन सिक्सटी ले लेता हूँ सेक्शन 61 वन हाउसिंग पीरियड नॉर्मली आपको वेरहाउसिंग पीरियड वन ईयर है ओके नॉर्मली आपको वेर हाउसिंग पीरियड वन ईयर है हंड्रेड परसेंट यूयूए पर होगा तो टिल क्लियरेंस वो कर सकता है एक्सटेंशन में मिल सकता है यहां पे ओके वन ईयर के बाद एक्सटेंशन फर्दर वन पीरियड पर है लेकिन गुड्स लाइकली टू डिटरेट होगा तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट फी पीरियड नाइन्टी डेज है और नाइन्टी डेज के बाद आपको इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगेगा फिफ्टीन परसेंट पर एनम से चलो ये तो हमने देख लिया फिर सिक्सटी सेवन में आप अनादर वेराउस में गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट ड्यूटी ओके okay, उसके बाद में 68 में आप क्लियर कर सकते हो फॉर होम कंजम्पशन आपको एक्सबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी आपको ड्यूटी इंटरेस्ट चार्जेस जो भी होगा वो देना पड़ेगा और आपको ऑर्डर मिलेगी ऑर्डर ऑफ क्लियर फॉर होम कंजम्पशन जो इलेक्ट्रॉनिकली होगी और आप अपने राइट्स भी रिलिंक्विश कर सकते हैं अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया हो सिक्सटी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सिक्सटी में आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अब उसके बाद में अगर सेवनटीम ने आपने क्लियर नहीं किया तो 72 में इम्प्रॉपर रिमोल कब कहा जाएगा अगर आपने क्लियर किया क्लीयरेंस किया अदर देन 67 68 69 या फिर आपने वेयरउसिंग पीरियड कंप्लीट हो गया या फिर ये पॉइंट नंबर थ्री निकाल देना ये काम का नहीं है वाला पॉइंट अब काम करनी है। ओके, okay, या फिर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की तो आपको इमीडिएट ड्यूटी पेनोल्टी और इंटरेस्ट मांगा जाएगा और आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा केशवराम रेन का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिस दिन आपका वेरोजिंग पीरियड खत्म होगा वो डेट रिलेवेंट डेट मानी जाएगी तो इस तरह से आपको कुछ चीजें अटैच कर देना है अच्छे से पढ़ के और एक ही पेज में आप हो सके तो आपने ड्रॉ कर लेना है और एक ही पेज पे पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेना है या इसकी निकाल के ज़रूरत है वहां वहां पॉइंट्स आपने ऐड कर देना है पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बस इतना चार्ट रखो दैट सी चार्ट रखो दैट सी ओके तो इस तरह से हमने ये चार्ट को भी कंप्लीट किया यहां पर चलिए बेटा तो यहां वेराउसिंग चैप्टर हमारा खत्म होता है नेक्स्ट अब ठीक है पहले तो हमने चैप्टर खत्म कर दिया है ठीक है अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और एमसीक्यू वो मैं अभी बना रहा हूँ ये वीक के एंड तक इसी टेलीग्राम ग्रुप जो आप डिस्क्रिप्शन में दिया है इसी टेलीग्राम ग्रुप की इसमें मैं इसका क्वेश्चन है और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा MCQ भी प्रोवाइड कर दूंगा उसका पीडीएफ और उसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन एक बात ख्याल रखना कस्टम बीस मार्क का है एक पेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए इसका पूरा ध्यान रखना इसलिए मेरा जो डायग्राम है इधर आप सेपरेटली ड्रॉ करो या वहां स्टिकी नोट्स लगा के जो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना है वो ऐड कर देना और खत्म कर देना इस चैप्टर को डन यस और नो ओके ठीक है तो इस तरह से हमारी सारी अमेंडमेंट्स खत्म होती हैं और दोस्तों अब इतना कहना चाहूंगा कि आने वाली एग्जाम आपकी है जो भी हुआ सब भूल जाना अगर इस एग्जाम में आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट लगा होगा तो कोई बात नहीं जिंदगी में एक बात ख्याल रखना कि चीजें फेलियर के बाद ही जो मिलती है यहां पे वही हमारी मेन सक्सेस होती है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं सिर्फ एग्जाम नहीं लाइफ में आगे भी जो है फेलियर ये लाइफ का पार्ट है पर उठ के खड़ा होना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी जान लगा देना अपना ड्रीम अचीव करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बिल्कुल अब आप, आप यही सोचोगे आने वाली एग्जाम आपकी एग्जाम होगी पूरे लगन के साथ पूरे मेहनत के साथ फिर से खड़ा होना है और ये एग्जाम में क्लियर होना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस बार अस्सी पार चाहे कुछ भी हो जाए सो so दोस्तों थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इस वीक में जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा आपका आईडी टी का स्ट्रेटेजी एबीसी के आपको दे दूंगा कैसे आपने पढ़ना चाहिए तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा ठीक है जैसे भी एक दो दिन में मुझे टाइम मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको डन बेटा तो सारी अमेंडमेंट्स हमारी कवर हो गई वेर हाउसिंग चैप्टर भी हमारा कवर हो गया वेरी गुड 67 मार्क्स मिले रोहन तुम्हें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा शुभम ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन सो थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से कर दू इसके क्वेश्चन एर्स और पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा बाय बेटा बाय